आइंदा सुई मत लगाना, टैबलेट दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। भाई नरसिंह पहलवान का फोन है। क्यों बेटा नरसिंह, कैसे हो? फोन क्यों किया? क्या वो गोविंद साला इतना उछल रहा है? वो कुत्ता मेरे पास रह के पला, मुझको देखते ही उसका पेशाब। खैर छोड़ो, बुलाकर बात करूंगा मैं। सुनो, दवा दारू के लिए 2 पेटी भिजवा देना, फोन रखता हूं। ए, ले गोविंद साले को फोन लगा। भाई जी आइए ना। नमस्ते भाई। अरे रे 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 रे, कहा किस्मत का खेल है। कभी आप राजा की तरह राज करते थे और आज ये पुराना मकान में जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। एक का भाई, अरे जगह छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। सलाइन छोड़ के स्कॉच चढ़ाऊंगा। कहा सोच रहे हो भाई, आज ये बछड़ा शेर की तरह चिंगड़ा है। सही कह रहा हूँ ना? ए, बहुत बोलने लगा है तू। क्या बात है गुरु, बहुत गुस्से में लग रहे हो। देखो नरसिंह के इलाके में तुम जाके उंगली क्यों करते हो? उसके इलाके में तुम मत जाओ, तुम्हारे इलाके में वो नहीं आएगा। ऐसा मैंने तुम दोनों को समझाया था ना, मेरी बात की इज्जत नहीं की तुमने? है? अरे चुप कर, अरे चुप कर, अरे चुप कर। इलाका बांटने के लिए इस शहर अपने बाप की जागीर समझ रखा है का? खुदा की मेहरबानी हो तो गधा भी पहलवान हो जाता है, और भगवान की दया हो ना तो ससुर कुत्ता भी शेर हो जाता है। गुंडा गर्दी मतलब चाकू छुरी की तरह हाथों में पावर हो तो उठेगा। पावर इतनी है कि सामने वाला खलास। आज पूरा का पूरा शहर हमारी मुट्ठी में है। हमारा दिमाग फिरा ना तो तुमको भी रास्ते से उठा दूंगा। ऐसा बोल सकता हूँ हम, लेकिन बोलूंगा नहीं। तुमने हमको इस काबिल बनाया, हमारे गुरु हो तो इज्जत देनी होगी ना। उन नरसिंहवा को समझा दो हमारे इलाके की तरफ देखने की जरूरत ना करे। पुराना वक्त शायद तुम भूल गए, इसीलिए तुम ऐसा बक रहे हो। हम भूल गए होते तो अब तक तुम मर जाते गुरु। घोड़ते का हो? फोन करते ही सामने आ गया हूँ हम। कहें कि हम तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अपनी इज्जत और जान को संभाल के रखो गुरु। तुम एक बार चली गई ना तो फिर वापस नहीं लौटती। चल रे कृष्णा, अब हमारे गुरु जो है ना बुढ़ा आ गए हैं। अरे गुरु महीने महीने पेंशन भेजता रहूंगा, आराम से मौज मस्ती करो, समझे? तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। क्यों बे बुड्ढे, तेरी हड्डियों में दम नहीं रहा और मेरे भाई जी से उलझता है तू? अरे नारायण नारायण, उस सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड है मगर मेंटली बड़ा पावरफुल। हम कहो तो जान भी दे देता है और जब एक इशारा करो तो जान भी ले लेता है। और ऐसा क्या देखते हो, गुरुदेव का खेल खत्म, दफना दो ले जाके। चल रे कृष्णा अपना हाथ धो लो। ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड। अरे दूसरा पेशेंट ढूंढ लेना तू लोग। ठीक है सर। शांति बहन, इतने दिनों बाद तुम्हारे बेटे का खाता है जिसमें पूरा पता भी है। शांति बहन अपने बेटे को ढूंढने शहर गई है। शहर गई है? ओहो, इतने बड़े मुंबई शहर में बिना एड्रेस के कहाँ ढूंढेगी उसे? ओए माँ, इस शहर में तो आके फंस गई मैं। ओहो, लगता है सांसें रुक जाएगी। ओहे माँ, ओहो, इतनी सारी गाड़ियाँ। हे भगवान, मेरा तो सर चकराने लगा है। भाई साहब, हाँ? मेरे बेटे को कहीं देखा है आपने? कौन है बहन तेरा बेटा? कौन क्या, 6 फुट लंबा, गोरा चिट्टा लाल, कितना सुंदर है मेरा बेटा। एड्रेस हो तो पता लग जाएगा। नहीं है भैया, उसने जितने खत लिखे एक में भी पता नहीं लिखा। इस शहर में एड्रेस होते ढूंढना मुश्किल है, तो बिना एड्रेस के उसे कैसे ढूंढेगी? वो बहुत दिनों के बाद पैदा हुआ था, मेरे लिए तो भगवान का प्रसाद है, बिना बताए शहर में आ गया है। किसी भी तरह उसे अपने गाँव वापस ले जाना है,
दया करके जरा ढूंढिए ना भैया उसे। बड़ा मुश्किल है बहन जी। माँ किसी भी तरह मुझे मेरे बेटे से मिला दो। कौन है वैसाले? छी, नालायक कहीं का। कौन है बेतू? इसे कभी कभी तो मूड आता है और तभी तू बीच में आ गया। तुम रुको भाभी। भैया नरसिंह पहलवान मारा गया। हाँ? मर गया साला, कहता था बांद्रा वेस्ट में फ्लैट दिलाऊंगा। तू चुप कर रे, कैसे मारा गया? सिर्फ एक नहीं, बस एक नहीं, उसको बुरी तरह मार डाला। पार्किंग परमेश, उसे बोल देना। अरे क्या बोल रहे तू? हाँ भाई, नरसिंह पहलवान को ही मार डाला तो उससे देखना होगा। पुलिस स्टेशन में है, कल जेल ले जाएंगे उसे। नरसिंह यादव, उत्पल वीरो, अमजद खान, चलो चलो उसे क्या राशि की दुकान समझ रखा है? धक्का लगा रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? शिवा, शिवा दादा हूँ। कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। मैं चलाता हूँ तो लोग बेहोश हो जाते हैं। एक मारूंगा किराया सीन हूँ। हाँ चल ठीक है। याद है मैं हूँ शिवा, पूना ट्रांसफर हो गया, कहा था कब आए आप? अरे ये सब छोड़ो, क्या बात है, अरेस्ट वारंट लेके घूमने पर भी नहीं मिलते और अब खुद ही जेल में बंद होने आ गए। हाँ योगी को देखने आए हैं। क्या कहा? हाँ भाई, उस नरसिंह पहलवान को खत्म किया, उस उस्ताद को देखने हैं कैसा दिखता है। सिटी में कोई गुंडा नहीं बचा, सब आ गए हैं। अच्छा कब तक आएगा वो? सर शहर के सारे गुंडे मावली जेल पहुंच गए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, क्या करूं? ये क्या इतने सारे गुंडे आ गए? तुम क्या काम करते हो? गैलेक्सी में टिकट ब्लैक करता हूं। और अपर का धंधा पॉकेट मारने का। मैं शिवा हूँ, योगी को देखने आया हूँ। भाई मैं इस वक्त जेल में हूँ और जेल से जैसे ही निकलूंगा मैं आपका काम बिल्कुल कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ अपना ही राज चलता है भाई। ए, हम लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अगर जरा सा भी मिस हुआ तो सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे। चुपे, क्या खतरा खतरा बार बार बोलते हैं, चल। पागल कहीं का, तुझसे रिश्वत लेकर मैं कमजोर पड़ गया हूँ, चलो। सुपरिटेंडेंट साहब को अगर पता चला तो पूरी बात बिगड़ जाएगी सर, मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे। मीडिया की बातें सुनना तो जनता की आदत हो गई है। सिंसियरली काम करने से ये स्टार बदलेगा, मगर वो स्टार नहीं बदलने वाला। मुझे टेंशन मत दो, चाय मंगवाओ। बांद्रा क्रॉसिंग ओवर। रेड अलर्ट ओवर। योगी जेल पहुंच रहा है। पूरे कैदियों को इमीडिएटली बैरक्स में डाल दो, एक भी बाहर नहीं बचना चाहिए। बस सिक्योरिटी स्टाफ अटेंशन, सारे कैदियों को अपने अपने बैरक्स में भेज दीजिए। भैया एकदम शेर जैसा लगता है ये तो। हाय शिवा, हूँ शिवा, मेरा नाम शिवा है, तुम्हारी टच में रहूंगा, बाहर आके पूरे शहर में राज करेंगे हम लोग। भैया यहाँ देखो, किराया टीनू, तेरे भाई जैसा हूँ, अरे याद रखना। भाई शहर पूरा कब्जा करना है तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, बड़े काम आऊंगा। Come on.
अरे आग बुझने के बाद तो फायर इंजन आती है और झगड़े खत्म होने के बाद तो पुलिस पहुंचती है। ये बात नहीं साहब, यहाँ लफड़ा हो रहा, हमें सिक्योरिटी चाहिए। कैसी सिक्योरिटी, सब कहती ठीक तो है। जा जा जेल में सेल फोन सप्लाई करना और कैदियों को भड़काना तुम जैसे लोगों की वजह से होता है। मैं भी ऑफिसर हूँ, आप ऐसा करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अच्छा तो एक काम करो, इसे कैदियों के कपड़े पहना के उन्हीं में मिला दो। योगी को लेके आओ। क्यों भाई, तुम्हें देखने शहर के सभी गुंडे मावाले यहाँ पहुंच गए लेकिन तुम्हारा अपना कोई नहीं आया। तुम्हारा अपना कोई नहीं है क्या? सॉरी सॉरी माँ जी, सॉरी, गलती हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या है? यहाँ इंसान और गाड़ियों की रफ्तार एक जैसी है। अरे बाप रे, अरे बेटी सुन ना। जर्नलिज्म का मतलब कुछ नई चीज का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बीबी मुझे मारती है तो साधारण है, अगर मैं बीबी को मारूंगा वही न्यूज है। सर सर सर, एक सेंसेशनल न्यूज है, मैंने शूट किया है सर। देखिए सर, उस नर्सिंग पहलवान का छोटा भाई पूरे शॉप्स को चला रहा है, आप भी देखिए सर। पूरा का पूरा सब कुछ जला डालो, मेरा भाई नहीं बचा तो ये मुंबई भी नहीं बचेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। भागो, भाई वो छोकरी विवेकानंदा कॉलेज में गई है। सब जले तो जले, लेकिन तेरे प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू सर। हेलो सुरेंदर, सुरेंदर बोल रहा हूँ। ये नाम कहीं सुना है मैंने। बहुत मशहूर, इस शहर का गुंडा हूँ मैं। वो जो छोकरी न्यूज लेकर आई है तेरे पास, वो न्यूज पब्लिक में आई, इन शॉप्स के बदले तेरा घर और कॉलेज भी चलेगा। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके सर, सर मुझे प्रैक्टिकल्स में 10% मार्क्स मिलेंगे ना सर, मैं रिपोर्टर बन जाऊंगी ना सर। सुनो,
न्यूज में कुछ सेंसेशन होना चाहिए, लेकिन फोन में नहीं। फोन मतलब क्या सर? वही टीवी, रोज टीवी में हम देखते हैं ना बेटी, इसमें नया कुछ नहीं है। आई वांट समथिंग सेंसेशन। डरपोक कहीं का, तेरी बीवी पेट्रोल डाल के तेरी ये बिल्ली जैसी दाढ़ी चला देगी, देखना। किसे डांट रही थी? प्रिंसिपल को ना? प्रिंसिपल को मैं क्यों डांटूंगी? झूठ मत बोलो, तुमने उसे डांटा, मैंने देखा। डांटो, खूब डांटो, उसे उल्टे सीधा करके भी डांटो। कुत्ता कमीना हराम को रास्कल। तू क्या शराब पी के कॉलेज आया है? मैं कभी शराब पी कर कॉलेज नहीं आता, बल्कि कॉलेज में आके शराब पीता हूँ। अरे सुनो लड़की, रुको रुको, सुबह मैं बुलाती रही और तुम चली गई। वो चौकीदार ने भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तुम्हारे पास मेरी बेटी की फोटो रह गई है, जरा दे दो बेटी। क्या मेरे पास आपकी बेटी की फोटो? हाँ बेटी, तुम अपनी किताबों में जरा देखो। ओह सॉरी, सुबह टक्कर हुई तो बुक्स के साथ ये फोटो आ गया होगा। ओह, मेरे लिए आप इतनी बारिश में वेट कर रही थी, यही है क्या? हाँ यही बेटी, छतरी पकड़ो छतरी पकड़ो। मेरा बेटा, कहाँ जाना है आपको? इस जोरदार बारिश को कहाँ जाना है पूछोगी तो क्या जवाब मिलेगा? मेरी परिस्थिति भी कुछ वैसी ही है, पता नहीं क्यों इस शहर में कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। आपका बेटा कहाँ रहता है आपको नहीं मालूम? नहीं बेटी, पता तो नहीं मालूम। एड्रेस के बगैर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बस स्टैंड के पास छोड़ देती हूँ, आप अपने गाँव वापस चली जाइए। मैं नहीं जाऊँगी, अपने बेटे से मिले बगैर मैं गाँव नहीं लौटूंगी। माँ जी, माँ जी रुकिए जरा, एड्रेस के बगैर आप कैसे ढूंढेंगी उन्हें? मेरे बच्चे पैदा नहीं होंगे ऐसा सभी बोलते थे, मगर वो पैदा हुआ ना। इसी तरह मिलेगा नहीं सभी बोल रहे हैं, पर वो जरूर मिलेगा। ठीक है, बारिश कम हो जाए तो ढूंढ लेना, पहले आप मेरे साथ चलिए। ऑटो, आपका बेटा यहाँ आया हुआ है कह रही है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर से, हमारा भिलाई के बगल में बेलापुर गाँव है। आपके बेटे का नाम क्या है? प्रसाद, ईश्वर प्रसाद। हमारे गांव में सभी लोगों की आप हमेशा रक्षा करते रहना। बेटा प्रसाद, प्रसाद। नाच खत्म होने के बाद आती हो? आओ दिखाता हूं तुम्हें। प्रसाद बेटा ठहरो। मैं नहीं रुकूंगा, गांव के सब लोगों ने मेरा नाच देखा और तुम आई ही नहीं, और अब प्रसाद बुलाती हो? जा जा। लाडले ठहर तो सुन, तुम्हारे पीछे भाग तो सकती हूँ लेकिन ये पेड़ पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगी, नीचे उतर। तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं और मैं उतरूंगा नहीं, जाओ माँ जाओ। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी के लिए दवा लाने गई थी मैं, वो घर पर अकेले ही इंतजार करते होंगे, नीचे आ जा बेटा। अच्छा तो ये बात है, तो जाओ ना घर। हाँ कैसे नीचे उतारना है मैं जानती हूँ। अच्छा नाचोगी क्या? तुम नाचोगी तो मैं उतर जाऊंगा। सुन मेरे बच्चे, जब से तू पैदा हुआ है तेरी हरकतों को समझती हूँ, ये नाटक वाटक बंद कर तू। मैं भी बचपन से ही देख रहा हूँ माँ, घर पर तुम्हारा पति इंतजार कर रहा होगा, जाओ। प्रसाद आ जा ना बेटे, नहीं आएगा। अब घर चलते हैं, पिताजी राह देख रहे होंगे। बेटा अब तो तेरा गुस्सा कम हुआ ना? अरे माँ गुस्सा और तुम पे, ऐसा सपने में भी नहीं सोचना।
तू ही मेरा सब कुछ है, शिव का रूप है। बहन डांडिया राम मोहन का घर कहाँ है? सीधे जाके बाई और मुड़िए, तीसरा मकान है। या भाई कैसे हो? अच्छा, इतने दिनों बाद हमारी याद आई, आज के लिए इतना ही काफी है, कल आना। अब तेरी तबीयत कैसी है? वैसे ही है बस। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ये सब क्यों करते हो? घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है। देखो दोस्त, अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया है। क्या जवान हो गया है, उसकी माँ का लाडला है, अभी भी बच्चे की तरह खाना खिलाता। अरे उसे बच्चा बोलते हो? वहाँ शिव मंदिर के मेले में क्या नाच रहा है वो? मेले में नाच रहा है? हाँ यार, मैंने यहाँ आते वक्त देखा था, नाच में तो तुमसे भी आगे बढ़ गया। किस काम का है नाच गाना? डांडिया राम मोहन को इस इलाके में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या फायदा? देखो जीते हुए कब फोटोग्राफ्स बचे हैं। इस बुढ़ापे में मैं उस पर लादना नहीं चाहता। कई बार समझाया कि कोई अच्छी नौकरी कर लो, लेकिन मेरी बात को टालता रहता है। आने दो आज उसको। अरे बेटा भागता कहाँ है, रुक तो सही। क्या है माँ? तुम्हारे पिताजी को तो संभालना पड़ेगा, हमें कोई उपाय सोचते हैं। ठीक है सोचो। अरे यार उन दिनों तुम्हारे नाटक बहुत मशहूर हुआ करते थे। अरे अब वो बात कहाँ है मुझ में। मेरे घर में तुमसे बड़ा कलाकार मौजूद है, इधर आओ दिखाता हूँ। वो देखो सामने। क्यों माँ, कुछ सूझा? वही तो, तुम नौकरी ढूंढने के बजाय वहाँ नाच गाना कर रहे थे, ये सुनेंगे तो तेरे पिता भड़क जाएंगे। अच्छा सुन, ये दवाइयाँ तुम लाए हो, कह देना शांत हो जाएंगे। सब समझ गया, तुम आगे जाओ मैं पीछे आता हूँ। मेरा लाडला है तू, बड़ा समझदार हो गया है मेरा सोना। अरे यार अभी तक साथ आए और अब भाभी अकेली आ रही हैं। तुम आगे आगे देखते जाओ, असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। प्रसाद, प्रसाद देखो। अरे भाई साहब आप कब आए? तबीयत तो ठीक है ना? क्यों जी मेरे लाडले को देखा? क्यों वो तुम्हारे साथ नहीं था? मेरे साथ? अरे मैंने तो उसे कल रात से नहीं देखा, आने तो खबर लेती हूँ उसकी। खड़े क्यों हो गए भाई साहब, बैठिए ना। असल में बात क्या है भैया, अपने पिताजी की बड़ी इज्जत करता है वो, डरता भी है। तुम्हारा रोल खत्म हुआ, अब तुम्हारे लाडले को तो आ जाना चाहिए। पिताजी, पिताजी आ गया वो। आ गया पिताजी, पिताजी। वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, रात से गायब है, कहाँ गया था तू? सच सच बता, नहीं तो हाथ पैर तोड़ के चूल्हे में रख दूंगी नालायक। अस्पताल गया था माँ। हाँ अस्पताल गया था बेटी, क्यों गया था? पिताजी की दवाई खत्म हो गई थी तो सुबह उठ के मैं चला गया, वहाँ डॉक्टर नहीं था तो उसके आने का बड़ा इंतजार किया मैंने, वहाँ पर वो आया तो मैं दवाई ले आया। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है, चल अपने हाथों से पिताजी को दे दे। ठीक है माँ। अरे बाप रे, ये लीजिए दवाई। शांति बहन, शांति बहन, अस्पताल से दवाइयाँ ले आई हो ना, लेकिन दवाइयों के पर्चे वहीं छोड़ आई हो तुम, डॉक्टर साहब ने तुम्हें देने को बोला है। ठीक है अब जा। बेटे तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई नौकरी ढूंढ के इनकी मदद कर सकते हो ना? भाई साहब आप जिस काम से आए थे वो हो गया? ऐसे ही ऐसे तुम इसे बिगाड़ रही हो, ये किसी काम का नहीं रहा। ओहो तो क्या गांव के लड़के बहुत काम कर रहे हैं? चुप रहो। पिताजी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो संभाल के ले चलो, संभाल के ले डालो, ले डालो, ले जाइए। क्यों इतना चिल्लाते हैं जो तबीयत खराब हो जाती है? सब तेरी वजह से। माँ तो अंदर जाना माँ। हाँ हाँ सब मेरी वजह से, वो दवाइयाँ तू पिला दे बेटा, मैं अंदर जाती हूँ। पिताजी ये दवाई पी। सुनो बेटा। जी पिताजी। बेटा तुम्हें नौकरी करने को कहता हूँ इसका मतलब मुझे तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए, तुम्हारी माँ बहुत भोली है बेटा। बेटा कोई भी माँ अपने बच्चे का भार 9 महीने उठाती है, लेकिन तेरी माँ पूरे 22 सालों से तुम्हारा भार उठाकर तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाल रही है। मेरे बाद तुम उसे बेटा बन के नहीं पिता बन के संभालना। ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आप दोनों की अच्छी देखभाल करूंगा। अगले महीने हमारे गांव में एक मिल खुल रही है, मैं उसमें नौकरी करूंगा, ठीक है ना? ची 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 ची। इस बादशाह के गांव छोड़ने के बाद से यहां पर गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे लोग हैं यहां पर। अरे भागो यहां से। हे बादशाह। ओए मुझे किसने मारा कुत्ते हरामखोर। अरे प्रसाद ये गांव में आते ही मेरा कैसा स्वागत हुआ यार। जाने देना, तू ठीक तो है ना? सर घूम गया था। अरे यार। अच्छा शहर में क्या काम करते हो? बिजनेस, बिजनेस व्यापार करता हूँ। क्या बिजनेस है?
कटिंग बिजनेस, कटिंग कटिंग। ये बड़ी हो तो खुदा भी क्या करेगा। चल तेरा बोझ हल्का करो। ठीक तेरा सिखाओ बेटी, नहीं तो कपड़ों पे गिर जाएगा। हो गया, संभलता नहीं, मैं संभाल के रखूंगा ना। तो बेटा तुम बिजनेस कहाँ करते हो? जहाँ बिजी एरिया होगा वहाँ। मेरा बिजनेस जनता की भीड़ भाड़ हो वहाँ ज्यादा चलता है। अब आपको क्या बताऊँ। अरे मेरी बेटी की चेन चोरी हो गई। अरे बाप रे, माझे पर्स। मेरा बैग कहाँ गया? सब मैं संभाल के रखूंगा ना। वैसे तो सबके फोटोज अपने घरों में होते हैं, लेकिन मेरे फोटोज तो आजकल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन में नाम के साथ लगे। पाशा तू कमाल है। तू अपनी माँ का नेकलेस चोरी करके भाग गया तो पहले तो बड़ी दुखी हुई, मगर बाद में बड़ी खुश हुई। क्यों दुखी हुई थी? फिर क्यों खुश हो गई? नेकलेस खोकर दुखी हुई थी, तुमसे छुटकारा पाके खुश हो गई थी। अरे माँ, ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं अपनी माँ के लिए ये नेकलेस लेकर ही नहीं आता। तू मुंबई में इतना कमाता है? क्या हो तो तुम भी आ जाओ। मैं आ जाऊंगा तो मेरे माँ पिताजी को कौन संभालेगा? अरे खूब पैसा कमाओ तो वो पैसा सबको संभाल लेता है। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम ये गाँव छोड़कर मुंबई आ जाओ। मुंबई में माता के मंदिर के पास आके बादशाह भाई का घर किधर है पूछना। क्या पूछोगे? बादशाह भाई का घर किधर है? हाँ। अगर पूछोगे तो वो बता देंगे। हाँ। आते ही काम शुरू और पैसा ही पैसा। मैं माँ से पूछूंगा, वो भेजेगी तो आऊंगा। ये क्या, जैसे ही तुम्हें मुंबई बुलाया वैसे ही अपशगुन? सिर्फ चार ही लोग उठा के ले जा रहे हैं, किसकी लाश है ये? रतन राज जी, जब तक जिंदा था लोगों को बहुत सताया, अब मरा तो कोई भी साथ नहीं देता है। प्रसाद, प्रसाद। क्या है माँ? मंदिर के पास साधु जी गुजर गए हैं, तुम जाके उन्हें देख के आओ। वो तो ढोंगी साधु था, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, शादी में ना जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मौत पर जरूर जाना चाहिए। जिंदा रहने पर कितने कष्ट, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मरने के बाद भगवान स्वरूप होते हैं। किसी की लाश देखने पर हाथ जोड़ने चाहिए, हो सके तो अंतिम संस्कार तक साथ देना चाहिए। मैं जा रहा हूँ भैया, मैं भी हाथ देता हूँ। भैया इतना पैसा है तुम्हारे पास, एक माला तो डालनी चाहिए थी। अंतिम संस्कार के समय भी इतनी कंजूसी करते हो। अरे अरे क्या हुआ, जरा संभाल के, संभालिए अपने आप को, ले जाइए, संभाल के। माँ, माँ, बेचारा रतनराज मर गया। माँ कोई नहीं आया, लेकिन मैं गया था। रास्ते में पंडित मिले थे, काशी से गंगा जल लाए हैं। उन्होंने कहा पिताजी को पिलाएंगे तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। पिताजी, पिताजी मुंह खोलिए ना। क्या रे तुम यहां बैठे हो, उधर तुम्हारी माँ का बुरा हाल हो रहा है। माँ का? बेचारी हर शुभ कार्य में सबका हाथ बटाती थी। ये सब क्या है, देखो कितना खून बह रहा है। ये सब रीति रिवाज है। कैसा रीति रिवाज, ये सब ढोंग है। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। बेटा ऐसा नहीं बोलते। जब तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ, तो ये खून बहते हुए कैसे देख सकता हूँ। माँ मैं अभी आया। बेटा भैया,
ये पैसे लो और वो कंगन दो। इन पैसे से वो कंगन नहीं आएंगे, ये सोने के हैं। कुछ भी हो माँ के लिए चाहिए। अरे 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 रुको, मैं कुछ नहीं जानता। माँ माँ अपने हाथ दिखाओ। क्या है ये? ये कंगन है माँ, अब ये नहीं टूटेंगे। कहाँ से लाया तू? मेरी दुकान से चुरा के लाया है। पैसे दे दूंगा माँ। शांति बहन, इनको श्रीनाथ जी की बहू ने बनवाए हैं, ये जबरदस्ती उठा लाया। बोल रहा हूँ ना, पैसे दे दूंगा। चुप कर। माँ मेरी बात तो। अंदर जा तू, मैंने कहा ना अंदर जाओ। बुरा मत मानना भैया, मुझसे इतना प्रेम करता है ना मेरा बच्चा, तभी उठा के ले आया। लीजिए अपने कंगन। प्रसाद भाई साहब, प्रसाद को कहीं देखा है आपने? उसे हमने तो नहीं देखा। बेटे प्रसाद। पिताजी ऐसे क्यों बैठे हुए हो? कुछ काम करो, खाली मत बैठो। इस गांव में रहने से तुझे इसी तरह गलियों में भटकना पड़ेगा। तू शहर आ जा तो माँ के लिए सोने के कंगन भी खरीद सकता है। प्रसाद प्रसाद, अरे 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 बेटा प्रसाद। इस तरह मेरा बेटा यहाँ पहुंच गया, पता नहीं किस हाल में होगा। चलती हूँ बेटी। कहाँ जाएंगी आप? इस मुंबई में तो ढूंढना इतना आसान नहीं है माजी, कम से कम एक साल तो लगेगा ही। पुलिस कंप्लेन देने से भी फायदा नहीं, मैं ही कुछ न कुछ करती हूँ। कॉफी ले आती हूँ, बैठिए। इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो बेटी? मैं और मेरे साथ मेरे मामा जी रहते हैं। वो कहाँ है बेटी? वो एक भटकती आत्मा है, कहीं भटक रहे होंगे। अरे बाप रे, तेरी तो कितना गंदा भविष्य बता रहा तेरा ये रोबोट। ये इसको क्यों कोसता है जी, सही तो बोलता है। ऐसा बेकार भविष्य लेके इस धरती पर कोई नहीं जी सकता, बेकार मशीन है। बोलता है पानी से खतरा होगा। बोलता है तो पानी से आपको जरूर खतरा होगा जी। पानी से मुझे खतरा होगा तो क्या मैं पानी में डूब जाऊंगा? समुद्र है तो क्या सुनामी आ जाएगा? मुंबई में सुनामी का कोई खतरा नहीं। सर पैसा? वो होते तो अपना भविष्य क्यों सुनता बे। अच्छा मैं तुझे पैसे दूंगा कि नहीं, जरा अपनी मशीन से पूछ। चल पूछ पूछ। ऐसी उल्टी सीधी मशीन को रख के दो चार शब्द टेप करके उल्लू बनाते हो? सर आप पैसा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? नहीं नहीं दूंगा। मेरे को मालूम सर, आपका पर्स ऑलरेडी किसी ने उड़ा लिया है। आहा? उड़ा दिया? मेरा पर्स क्या है, उसमें तो 1000 का नोट था। ये फॉरगेट है सर, आपका किस्मत ही ऐसा है। गो। क्या सच में मुझे पानी से खतरा है? जरूर होगा सर। ये क्या, उसने तो 1000 बोला था, इसमें 200 कम है। कहता है पानी से खतरा है। बाप रे, पानी से खतरा मतलब नहाना छोड़ दे। अरे पानी में रहने से तो कोई मुसीबत नहीं, देखते हैं। बढ़िया है, कोई बात नहीं। तेरी वजह से मुझे खतरा नहीं, मेरी वजह से तुझे खतरा है। इस तरह पानी से डांस क्यों कर रहा है? रोड है जी, पानी है जी, डांस करूं या कुछ भी करूं? क्यों जी, आपका घर तो नहीं है, रोड है, पानी है, ऐसे क्या घूर रहा है बे? नीचे देख। पानी है जी। ओए नीचे देख। देखा तो। पानी से मुझे खतरा होगा, यानी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, नहीं सोचा था। ओए सुन, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा था, कब से शादी सेट नहीं हो रही थी, 3 साल से शादी के वास्ते घूम रहा हूँ। जब मेरा समय बदला, मैं बांध ठान के जा रहा था, तूने कपड़े खराब कर दिए। तेरी तो योगी जेल से छूट रहा है, उस गोविंद ने उसकी बेल कराई है। आने दो, उसने मेरे भाई को जिस जगह पर मारा था, मैं भी उसे वहीं मारूंगा। भाई उसके मामले में दखल मत दो, उसकी मार खा के लोग पागल हो जाते हैं। जेल में उसके हाथों जिसने भी मार खाई है, उनकी हालत जाके देखो।
उसे खत्म करना मेरे जीवन का मकसद है। खत्म कर दूंगा योगी। कौन है भाई? आंटी नहीं है क्या? वो अंदर है। तुम कौन हो? बताऊंगा लेकिन पहले कुछ खाने को दो। हाँ, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। लो आंटी। वो कौन है? मैं तुम्हारी आंटी हूँ, वो मेरी आंटी है, यही रहेंगी वो। तुम लोग इनका ख्याल रखना। अब तुम ठीक है आंटी, उन्हें बोल दो तुम रहो या ना रहो हमें खाने की रिश्वत देती। ठीक है, अपने बेटे का फोटो दीजिए, प्रिंटिंग में देनी है। हाँ देती हूँ देती हूँ। सुनो बेटी, नहाए बगैर ही तुम्हारे मामा जी गंदे कपड़ों में वैसे ही बैठे हुए हैं, तुम देखो जरा। ये क्या मामा जी ऐसे? नीचे खतरा, 7 feet high, 3 tons weight, बड़ी लहरें, ऊपर से मुझ पर गिरा है सुनामी। किसने मारा आपको? मारा, कूट कूट दिया, छोटी सी जगह में चूर चूर करके मारा। ठीक है जाकर नहा लीजिए। नो 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 वाटर मैटर, जो करना है करिए। नंदू तेरे पास कोई बढ़िया सेंट हो तो बैठने, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। सेम फीलिंग हियर, आई वांट टू टेक रेस्ट माय डियर। ये लो बेटी मेरे बेटे का फोटो। खूबसूरत है ये। क्या मुझसे शादी करेगा? तुम्हारे लायक नहीं बेटी। क्यों? वो बहुत कम पढ़ा लिखा है। पढ़ाई का शादी से क्या संबंध? वैसे अब वो कहाँ होगा इस वक्त? अरे यार मुझे यहाँ क्यों लाई है? वो हीरो जेल से रिलीज हो रहा है ना, उसे देखने के लिए। चलो अंदर बैठो, चलो बैठो, तुम भी बैठो। देखना एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू लेकर ही रहूंगी। ये फोटो किसका है? शांति जी है ना, उनके बेटे का है, किसी हाल में ढूंढना है उसे। मेरे पास बस ये एक ही क्लू है। इतना छोटा क्लू लेके ढूंढेगी उसे तू? कितना भी बड़ा लॉक हो, उसे ओपन करने के लिए छोटी सी की तो चाहिए। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? गोविंद के पास। गोविंद भाई वो कौन है? अरे कृष्णा। हाँ भैया जी। दावत की तैयारी जोर शोर से हो रही है ना? सब तैयारी है भैया जी। ऐसा कहा, फिर वो डांसर छोकरी का क्या हुआ? वो भी आ गई भैया जी। कहाँ है? भाई जी योगी आया है। वेलकम बेटवा, वेलकम। तुम बाहर निकले ना तो ये खुशी में दावत का इंतजाम किया हमने। बाप रे कमर जकड़ गई। इलो बबुआ। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? बेटवा सुबह आँख खुलने से लेके सोने तक चारों तरफ इन भैंसों और गायों को देख देख के बोर हो गया हूँ बबुआ, इसीलिए एक शेर को बगल में रखना चाहता हूँ। हमारे पास लीगली या इलीगली वैसे ही 10 फैमिली के लोग हैं, घर घर में पत्नियां, कंपाउंड भर के भैंसे और भी बहुत कुछ। मेंटेनेंस करना बहुत प्रॉब्लम हो गया है अब जिंदगी में, वैसे ही फिजिकली काफी कमजोर हो गया हूँ। ऐसी हालत में एक शेर बहादुर तुम ही दिखते हो हमको। तुम अगर हमारे साथ रहो न तो तुम्हारे पास मैं क्या करूँगा? रियल एस्टेट, जगह कब्जे में हो तो खाली करवाओ, खाली है तो उसको कब्जा करवाओ, बस। भैया जी हा? वो छोकरिया जा रही है, आप क्या करें? 1 मिनट। वो डांसर छोकरी जाने को कह रही है तो इसका मन बनाने के लिए रोके का? जी, ये बच्चा है अभी, इसे ऐसी बुरी आदत नहीं। अरे छोड़, बिगनिंग में कोनो फील्ड में ऐसी वैसी आदत नहीं होती, अंदर घुसने के बाद पता चलता है। अरे हमको का लेने देना अपने बच्चे को, काहे खराब करे जी। तू एगो काम करो, उसे छोड़ दो। अरे हमारी कमर कॉपरेट नहीं कर रही, जाने दो उसको। ठीक है भैया जी। तो बाबूआ क्या डिसाइड किया तूने? मैं किसी के पास काम नहीं करूंगा, मेरा मकसद बस एक ही है, अपनी माँ की देखभाल करना, अपने गाँव चला जाऊंगा। देखो तुम्हें बेल पर बाहर लाए हैं हम, ये केस पूरा खत्म होने तक तुम मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैं रहूंगा तो अपनी माँ के पास या अपने चाचा के पास, पर यहाँ नहीं रहूंगा। चलो चाचा। कहाँ जा रहा बे? हमारे भाई ने बोला कि यहाँ रहना तो यहाँ रहना, भाई ने बोला जाना तो जाना, समझ गया? हट जा। क्या हटने को बोल रहा बे?
चलिए चाचा। भैया जी ये तो मर गया। उसके के हाथ से मर गया। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। क्या हुआ आप लोगों को? क्या हुआ इनको चाचा, ये मुझे सलाम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। परसों तक तो यहाँ का नौकर था, लेकिन आज तू पूरे शहर का हीरो है। क्या मतलब? क्रेज है, कोई पॉलिटिक्स करके नाम कमाता है, कोई फिल्मों में काम करके नाम कमाता है, तो कोई गुंडागर्दी में नाम कमाता है। गुंडे की मोहर एक बार जब किसी पर लग जाए तो समझो हीरो। तू दिखता कैसा है किसी को पता नहीं, लेकिन अब तक तेरा नाम लेके लोग माल कमा चुके होंगे। ए भाई क्या हो रहा है यहाँ? फ्लैट कंस्ट्रक्शन का काम। ये क्या, जगह तो आपने मुझे बेची थी। जगह आपको ही बेची है जी, लेकिन फ्लैट्स कस्टमर्स को बेचे हैं। देखो ये ब्रोशर। एक बात करनी है आपसे। रुको जी, इस जगह के मालिक से बात कर रहा हूँ ना। देखा, वो कह भी रहा मैं इस जगह का ओनर हूँ। ओनर तुम ही हो भाई, लेकिन फ्लैट कस्टमर्स के है ना। साई मेरी बात तो सुनो। अरे हम आपस में बात कर रहे हैं तो तू टांग क्यों उड़ा रहा है? वडी साई, इस जगह का असली मालिक मैं हूँ। ये क्या मामला है? क्या है, मुंबई में जगह का मालिक एक ही नहीं होता, कम से कम तीन चार होते हैं, और किस्मत जिसका साथ दे वो मार जाता है बाजी। मामला नखरा किया ना तो हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल में डाल दूंगा। ठीक है रुको, मामला एक मिनट में सेटल करता हूँ। हेलो, अरे मैं हूँ गणेश बोल रहा हूँ, फोन योगी भाई को देना। ये योगी कौन है? बताता हूँ। हेलो योगी भाई, मैं हूँ आपका गणेश। कहते हैं यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। एक मिनट भाई, परसों नर्सिंग पलन को काट डाला था ना वही योगी भाई। ब्रोशर दिखा के जो फ्लैट्स बेच दिए थे ना, उसके अब दो दो ओनर्स पैदा हो गए हैं भाई, दोनों ही उसे अपना प्लॉट क्लेम करते हैं भाई। उनका एक चमचा आपको उल्टा लटका के मारा डालने की बात कर रहा है। हाँ एक मिनट देता हूँ, भाई बात करना चाहते तुमसे। हाँ मैं थोड़ी देर में उधर आ रहा हूँ। देखा, गुंडों की बदौलत ये रियल एस्टेट का बिजनेस जोरों पर है। गणेश बोल रहा हूँ। अनिश भाई है क्या? बढ़िया है दोस्त, ईस्ट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा है। पहुंच जाओ यहाँ, ब्रोशर बनवा लेते हैं। तो फिर सो नहीं आएंगे। तुम्हारा भाई गुंडों को ला करके तेरे लवर को पिटवा रहा है। अबे कुत्ते, मेरी दोस्त की बहन से इश्क लड़ाएगा? मार साले को, मार साले को, मेरी बहन को लेने मारता, मार। चलो रुको, मैं हूँ। इस ड्रेस में मेरा भैया दिखेगा तो मुझे मार ही डालेगा। बिंदी दे, ओके है ना? मार मार के थोप बिगाड़ दे। उसे क्यों मार रहे हो? तुम लोगों को पता है ये मेरे दोस्त की बहन से इश्क लड़ाना चाहता था, इसीलिए मारा। तो लड़की भी मुझसे प्यार करती है। झूठा भाई, मेरी बहन ये लव वगैरह से नफरत करती है। फेयर एंड लवली लगाओ, गोरी हो जाओगी बोला तो फेयर एंड लवली में लव वर्ड है बोल के उसे यूज करना छोड़ दिया। क्यों बहन, ये सच बोल रहा है? सच है। मैंने बोला था ना, मेरे भाई ने नहीं, इन्होंने जो कहा है सच है। ये क्या, तेरी बहन भी उसी की तरफदारी कर रही है? ए, नाटक बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। जानती है मैं कौन हूँ? तू किराए का गुंडा देनूर। मुझे तो नहीं जानता, मैं योगी की लवर हूँ। अरे ये क्या बहना, इतनी धूप में आई हो पूरी शक्ल काली पड़ जाएगी। बहना योगी भाई से कहना किराए का टीनू बहुत याद कर रहा है। भाई नहीं साला। गुंडों के सारे भाई होते हैं, जीजा साले नहीं होते। ए, उस बहन से ज्यादा ये बहन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलो भाई। नंदिनी, ठीक वक्त पर योगी की लवर हो ये झूठ बोल के सोनी को तुमने बचा लिया। क्या कहा, वैसे ये सच भी तो हो सकता है। क्या कह रही हो तुम, खूबसूरत है। क्या है? नंदिनी, आई एम अंकल ऑफ नंदू। नंदू कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे। ओके। यहाँ पीना ठीक नहीं है, टॉयलेट में ठीक रहेगा। या साला अपन को पीने भी नहीं देता ये फ्रेंच के प्रिंसिपल का बच्चा। ओए सुरेश। हाँ, क्वार्टर का कबाड़ा। बाथरूम में क्या कर रहे थे? बाथरूम में कोई क्या करता है ये भी समझाना पड़ेगा। बाथरूम में वही नहीं होता, बीबी के डांटने पर मारने पर कुछ लोग छुप के रोते हैं। मेरी बीबी कभी मेरे को नहीं मारती जी। तुम हमेशा नशे में रहते हो, वो कब मारेगी तुझे? चलो खा निकालो। ये क्या शराब की बदबू, फिनाइल की जगह शराब तो नहीं डाल दिया? हम्म।
ये क्या हॉस्पिटल में ऐसे चिल्ला रहे हो? चिल्लाना मना है क्या? ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, पूरा जल गया है, चिल्लाऊंगा नहीं। जला है तो? जला। डॉक्टर कहाँ है? वो आएंगे, जल्दी क्या है? वो कोई फायर इंजन है जो हमेशा लेट आएगा। कहाँ है इस वक्त डॉक्टर? हेलो, हाय जूली। इडियट पत्थरबेस। ये क्या सर, आप हमेशा सबको पीछे से क्यों? पीछे किसी को देखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। अम्मा, अम्मा। हाँ? अम्मा। ये भी उल्टा है। ऐसे चिल्लाता क्यों है? अबे तो वहाँ क्यों आ रहा है? डॉक्टर साहब, तेरा केस क्या है? फायर एक्सीडेंट। तूने खुद जलाया या किसी ने जलाया? मैं खुद। थोड़ा जलाया या पूरा जल गया? पूरा। वहीं पर क्यों जलाया? मेरी बदकिस्मती। बदकिस्मती से जला क्यों? इस प्रश्न का ट्रीटमेंट से क्या संबंध? ओके, इतना रफली मत हैंडल करो। क्या उपयोग किया, केरोसिन या पेट्रोल? मटेरियल क्या था मुझे पता नहीं। पता नहीं बोलेगा तो इलाज कैसे करेंगे? तुम और जला रहे हो। केस इज क्रिटिकल, ट्रीटमेंट इज सिंपल, बनना लगाओ, बैंडेज बांधो। बैंडेज बांधने के बाद मैं घर जा सकता हूँ? नहीं भाई, वन मंथ रुकना पड़ेगा। हाँ। बिल भरना है ना? भरना का? उसी से तो हॉस्पिटल बनाया हमने। अरे मारो मत, मैं 2 महीने रह जाऊंगा। चले पे क्यों नमक छिड़क रहा है रे? कैसा रहा मेरा ट्रीटमेंट? कम ऑन नर्स। मामूली वायरल फीवर है, डोंट वरी। ये बताने के लिए इतना खर्चा? रुको ना चाचा, देखिए ये दवाइयाँ ले लीजिए, बुखार उतर जाएगा। क्या बेटी तुम्हारे मामा जी रोज कोई ना कोई मुसीबत मोल लेते हैं। कुछ नहीं किया था, बैठ के खाना कैसे हजम होगा? बेटा प्रसाद, गलत मत समझना बेटा, तुम्हें मैं अपना बेटा समझ बैठी। कोई बात नहीं आंटी, अब हर किसी को अपना बेटा समझ के इस तरह पकड़ के पूछेंगी तो कैसे चलेगा? क्या करो बेटी, माँ की ममता ही ऐसी होती है। Excuse me, yeah, where is the reception? सॉर दीजिए, मुझे तो लगता है कि पूरा पैसा दवाइयों में ही खर्च हो जाएगा। आप चुप रहिए, पैसा बड़ी चीज नहीं है, सेहत जरूरी है। प्रसाद बेटे, नहीं नहीं कोई और ही होगा। क्या है आंटी, फिर से किसी को देख के अपना बेटा समझ बैठी क्या? हाँ बेटी, जिसको भी देखो मेरे बेटे जैसा ही दिखता है मुझे। टेंशन मत लीजिए, वो जरूर मिलेगा, मैं भी इसी कोशिश में लगी हूँ। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। चलिए मामा जी। कैसे हैं आप मामा जी? इस हाल में क्या बोलूं नंदू। वैसे तुम आग की लपेटे में कैसे आए बेटा? मैं आग की लपेटे में नहीं आया आंटी, मेरे बैठने के बाद आग लग गई, बड़ा धमाका हुआ। अरे कहाँ छिपे हो? ये लीजिए पैम्फलेट पकड़ी। अरे योगी, हाय, पहचाना मुझे? नंदिनी, उस दिन जेल के पास तुमसे मिली थी, जर्नलिस्ट हूँ। मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। ये क्या, ऐसे सीरियसली क्या लिख रहे हो? बोलो ना। माँ कैसी हो तुम? यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समय पर खाना खाता हूँ। हिंदी नहीं आती? तुम ये हिंदी लिख रहे हो? नहीं लगता क्या? हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये पैम्फलेट पकड़ो। हाथ अभी खाली नहीं है। अच्छा, जेब में रखनी हूँ। ओए ओए, क्या है ये पैम्फलेट? हाथ खाली होने पर पढ़ लेना, बाय। कहाँ भेजनी चिट्ठी? बेलापुर। इसमें नहीं, उसमें डाली, जल्दी जाएगा। तुम्हारा इंटरव्यू लिए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो रे।
अच्छा, दिखता नहीं है क्या? अरे चलिए हो गया क्या? अरे शायद ध्यान किधर है तुम्हारा, सामने देख के चल रहे हो। यू ब्लडी इडियट, बुरा मत मान। अरे डोंट टच मी, डोंट टच मी, गेट लॉस्ट प्लीज। इट्टू बट किधर देख के चलता है? ओए किसको गाली दे रहा है? उसको, ये इडियट। तू जानता है वो कौन है? अरे कोई भी होगा, मेरे को क्या करने का? अरे वही योगी है। योगी? अरे बाबा फिर अकेले क्यों जा? यहाँ सब हम लोग है ना उसके लिए। तू जा, सॉरी बोल गया। बाबा जाने दो ना, अब चला गया। कहाँ का रहने वाला है? बाबा मैं उल्लास नगर का रहने वाला हूँ, मुंबई से थोड़ा दूर है। अरे बाबा कैसा लोग मिल जाता है? ज्यादा किधर है? उल्लास नगर अच्छा है। ओए सुन, किधर जा रहा? कैसा लोग रहता है? हेलो योगी, तुम फिर पीछे पड़ गयी? ये क्या, अकेले जा रहे हो? कोई हमला कर देगा तो? तुम कर तो रही हो। ठीक है तो तुम उल्टा हमला कर दो। क्यों मेरा पीछा करती हो? जाओ ना। गुस्सा क्यों होते हो? शादी करने को तो नहीं कहा, साथ रहने को नहीं कहा, बच्चा पैदा करने को नहीं कहा, एक छोटा सा इंटरव्यू तुम्हारा। ए, तुम लड़की हो या कुछ और? ए, तुम लड़के हो या कुछ और? अब जाओगी या नहीं? मैं नहीं जाती। हे भगवान। हे माँ। देखो तुम बहुत प्यारी और खूबसूरत लड़की हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? सुंदर हो बोल रहे हो तो मुझ पर लाइन मारो ना। तेरी तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह मुझसे बच करके कहाँ जाओगी योगी? चाचा ये सब कौन है, क्यों मेरे पीछे घूम रहे हैं? अरे मैंने रखे हैं, वो सुरेंद्र तुझे मारने का मौका ढूंढ रहा है। तुम्हारा जिंदा रहना जनता के लिए जरूरी है। मैं जनता के वास्ते नहीं, अपनी माँ के वास्ते जी रहा हूँ। हे, इतने दिन जो लोग गुंडों को देख कर डरते थे वो गुंडे अब तुम्हें देख कर डर रहे हैं योगी। उस डर को कैश करो और गरीबों का अन्नदाता बनो। ये खून खराबा, ये मारपीट किस काम का? मैं अपने गाँव चला जाऊंगा, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। सुनो योगी, तुम्हारी माँ इस वक्त गांव में नहीं है। ये क्या चाचा, क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, माँ के वास्ते तुम इतना तड़प रहे हो। तुम्हें तड़पता देख मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन तुम्हारी माँ गांव में नहीं मिली, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चली आई। तुम्हारे लिखे सारे खत भी वापस आ गए। माँ, ये सब तुमने माँ से यहाँ का एड्रेस क्यों छुपा के रखा? एड्रेस लिखता तो किसी को भेजकर वापस बुला लेती मुझे, इसके वास्ते नहीं लिखा। और अब एड्रेस लिखा तो खत वापस आने लगे। बेचारी माँ, चाचा मेरी माँ ने कभी गांव पार नहीं किया, यहाँ कैसे आई होगी वो, किस हाल में होगी वो? चाचा मैं किसी भी तरह अपनी माँ को ढूंढ निकालूंगा। सुनो अकेले मत जाओ, सुरेंद्र को पता चलेगा तो मुसीबत हो जाएगी। कौन चाचा, कौन है यह सुरेंद्र? आखिर मेरे साथ उसकी दुश्मनी क्या है? हाँ सुनो, हथियार को उठाना नहीं चाहिए, और अगर एक बार उठा लिया तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। यानी मुझे हमेशा किसी को मारकर ही जीना होगा? मैं मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जीने के लिए कह रहा हूँ, दूसरों को जीवन दो बोल रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी 20-25 साल की कमाई से जब जमीन खरीदता है तो वो लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। फुटपाथ पर बेचने वाले लोग मजदूरी करके 100 रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से 50 रुपए हफ्ते के रूप में वसूल रहे हैं वो लोग। ये सब उनके हाथों धोखा खाए हुए हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ के वास्ते नहीं बल्कि हम जैसे गरीब लोगों के वास्ते जीना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे पहले अनाथ होगी तुम्हारी। चाचा ऐसा मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी माँ को भी कुछ नहीं होगा। मैं जाकर किसी भी तरह माँ को ढूंढ लाऊंगा। सुनो योगी भाई, माँ को ढूंढने जा रहे हो? जाओ भाई, बाबा जी उठेंगे तो तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। भैया कोई आ रहा है। अभी समय 1:30 बज रहा है,
और आधे घंटे में अपना महेश उस योगी को उड़ा देगा भाई। भाई ए मुकेश, क्या हुआ मुकेश, क्या क्या हुआ, क्या हुआ मुकेश, बोल बोल। वेंकट, तू सिर्फ तलवार पकड़ना ही जानता है, मैं काटना भी जानता हूं। हम लोग हैं। देखो योगी, पकड़ी हुई तलवार को मत छोड़ना, ये गरीबों की जिंदगी बनाने में काम आएगी। प्रसाद, माँ, माँ कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा तुझे, तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चला आया तू? ऐसा मत बोलो माँ। अरे अरे अरे, हंसो हंसो, चलो हम नाचे नाचे नाचे। शायद उसे अपनी माँ याद आ गई। अजी पूरा पूरा पूरी दुकान का संभाल पा देता, वीडियो कान का मतलब कंपनी का नाम हैगा। और देखो मैसूर जो है सब जगह मिलता है ना, वीडियो कान का वीडियो और कान अलग करेंगे। और समझ गई की होया, सब सामान रख दिए। सोनी चाहिए क्या सर? नहीं चाहिए। कुछ और चाहिए तो बोलिए सर। नहीं पकी है ये बिल सर। और कुछ नहीं चाहिए बोला ना। बिल तो सेटल करना पड़ेगा सर। ओ सेटलमेंट कर देते, एक मिनट। हेलो योगी भाई, और इतना कोई बिल सेटल करने को बोल रहा है? भाई खुद आके सेटलमेंट कर देंगे तुम्हारा। अरे कहो तो होम थिएटर पे भिजवा दूं। कुछ नहीं चाहिए, वो भाई खुद आएगा, जो चाहे ले जाएगा। देखिए इसे हाथ नहीं पैर समझिए। और पैर है नीचे। मुझे माफ कर दो। इधर आ, इधर आ। हाँ तेरे को। और शायद तुझे बुला रहा है। जाओ। तुझे बुला रहा हूँ। मुझे बुला रहा है क्या? योगी भाई को जानता है ना, वो आ गया तो एक एक। ए, चल उधर बे। अरे धीरे से। आ, अरे मारो मत। भाई का नाम लेके कितना उड़ा लिया आज तक तूने? सच बता,
6 लाख निकाल। ये रखो है? बाकी के मैंने उधार में घुमाए हुए हैं और धीरे धीरे चुका दूंगा पूरे। और माफ कर दो मेरे, माफ कर दो। उतार देता हूँ, उतार देता। हेलो, कौन सा एरिया है? ओ, बहुत पॉश एरिया, जुहू चौपाटी। और तुम? मैं बांद्रा वेस्ट। क्या करते हो? रियल एस्टेट। ओहो, और तुम? मैं भी रियल एस्टेट करता हूँ। तेरी तो लफंगे सुनते हैं। अरे सभी लोग रियल एस्टेट क्या? कोई चर्चगेट बोलता है तो कोई पनवेल बोलता है, कोई मुंबई टाउन बोलता है तो कोई थाने में बोलता है, कोई कहता है वास्तु बढ़िया है तो कोई कहता है रोड बनने वाली है। ऑफिस बॉय से लेकर आईएएस ऑफिसर तक सब रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तभी तो हम ऐसे हो गए ना। तेरी तो भाई क्या गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं भाई, दिल की भड़ास। नहीं तो क्या भाई, जेब कतरों से लेकर उठाई गिरी के लोग भी यही धंधा कर रहे हैं भाई। हाथ पैरों को तो जंग लग गई बैठ बैठ के। जरा योगी भाई के दर्शन करा दीजिए। उधर देखो भैया, आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो जी। ए, तुम लोगों ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके गरीबों से पैसा वसूल किया है। एक एक पैसे का हिसाब करके 2 दिन में पैसे लौटा दो, वरना मैं तुम्हें दे देंगे। भैया हमारा क्या, बेकार के हम, लेकिन वो सुरेंद्र और उसके साथी हमें और सिटी को लूटने में लगे हैं भाई। उन्हें कंट्रोल कीजिए भाई। ये सब मजदूर अपने गांव में किसान थे, वो लोग अगर यहाँ आए तो तुम उन्हें जीने भी नहीं दोगे। अरे यार वो तो हमारे पीछे पड़ गया। आप लोग आज से किसी को भी 1 रुपया चंदा मत देना, अगर कोई तुम्हारी कमाई छीनेगा तो मार मार कर भगाओ उसे। कोई भी हो, कुछ भी हो, डरना मत किसी से। मुझे तो डर लग रहा है उसका नाम ही सुन के। ऑपरेशन जल्दी कीजिए, मेरी बेटी बच जाएगी डॉक्टर। आपको इनके माँ बनने से पहले सोचना था, ये ऑपरेशन के वास्ते पैसा जमा करके तब माँ बनने की सोचनी चाहिए। जान देने वाले भगवान से जान बचाने वाला डॉक्टर बड़ा होता है। हर काम की कीमत नहीं लगाई जाती। मारने के लिए माफी चाहता हूं। इस बच्ची का नाम शांति रखिए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो योगी। हेलो सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। जस्ट 5 मिनट्स, रिलैक्स हो जाइए। रेडी होते ही आपको अंदर बुलाते हैं। सर जी को रूम में बिठाओ। शंकर, योगी जी आ गए हैं, लाइव टेलीकास्ट के लिए तैयारी करो फास्ट। ठीक है चाचा, जरूर मैंने कोई पाप किया है तभी ऐसी जिंदगी हो गई है। गांव में हंसते खेलते गुजर रही थी मेरी जिंदगी, अब तो मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई है। जीवन की सच्चाई सुनो, पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए होंगे इस जन्म में हमें उसी का फल भोगना होगा। मेरा जवान बेटा मेरी ही आंखों के सामने ट्रक से टकराकर मर गया था। वो क्या मरने के लिए खुद ट्रक से टकराया था या उसे ट्रक वाले ने जानबूझकर टक्कर मारी? ये सब जिंदगी का खेल है। तुम घबराओ मत, आजकल तो मीडिया इतनी आगे पहुंच गई है, सब जगह टीवी लगे हैं, तुम्हारी माँ जरूर ये प्रोग्राम देखेगी। आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। He is none other than Mr. Yogi. Wow, Yogi. नमस्ते, आप लोग मुझे जानते होंगे। आंटी, आंटी, क्या है बेटी? मैंने जिस योगी के बारे में कहा था उसका प्रोग्राम टीवी पर आ रहा है। क्या? आइए ना आंटी, आइए। आ रहे हो बेटी। मैं भी तुम सब लोगों के जैसे सबसे क्यों परेशान होती हो? हमेशा की तरह करेक्ट टाइम पे करण गया। अंकल करण कब आएगा? बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आ रहा टीवी पर। ए भाई कितना टाइम लगेगा? अरे बस 2 ही मिनट लगेगा। इस पूरी दुनिया में अपनी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, माँ के वास्ते ही जी रहा हूँ। अरे गड्ढे देख के धीरे से आराम से ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। अरे जितना चाय ले लो, तुम्हारी मर्जी, जाओ जाओ। जाओ। अरे जल्दी भी नहीं बन रहा है, पैर नहीं उठ रहे हैं। क्यों आया तेरे पुत्र? योगा कर रहा हूँ भैया। अरे घाव कच्चा है, मारो। इस बुड्ढे को टॉयलेट में भेजना चाहिए था मेरी जगह। ए भगवान, ये सीढ़ियाँ किसने बनाई? जल्दी बॉल डाल।
मारो। अगर ये बॉल मुझे लगा तो किसी भी तरह सो नहीं पाऊंगा। इन बच्चों का खेल खत्म होने तक साइड में जाके आराम करता हूँ। पता नहीं किस मनहूस ने क्रिकेट खेल बनाया है, किसी को फायदा नहीं। अरे बाबा भी नहीं आ रही है। क्यों बे, रास्ते में आ गया? मेरा अच्छा वाला चौका जा रहा था। अरे बबुआ जी, भाई जी, दुधवा में पानी मिलाओ ना कि पनिया में दुधवा, समझे? ये गोविंद का दूध के बाजार में बहुत नाम है, उसको खराब मत करो, ठीक से मिलाओ। अरे वो भैंस को नहलाओ भाई। भाई जी सुरेंद्र आ रहा है। ए! नागराज, खेरा, रामू, तलवारें निकालो, बच के जाना नहीं चाहिए आज। भाई जी आज उसे काट डालेंगे। भाई जी आप बोलो। भाई जी हाँ बोलो। भाई जी कृष्णा तुम तो निक शांत हो जा। डेफिनेटली वो आएगा हम जानते थे, पर तुम लेके आओगे नहीं जानते थे। जो हुआ उसके लिए बहुत फील कर रहा है ये भाई। आप ही उनसे मिलाइए, मुझे बोल के एक महीने से मेरे पीछे पड़ा था। बेचारे को माफ करके छोड़ दीजिए, वैसे तुम्हारा पुराना शागिर्द है ना। लेकिन उन नरसिंहवा और इसने हमको टपकाने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। हम तो बच गए पर नरसिंहवा मारा गया और इसको लावारिस छोड़ गया। हमको अब इसका कीमा बनाना है, लेकिन ये तो पुलिस के रिकमेंडेशन से आया। छोड़ो ना भाई, दुश्मनी को भूल जाओ, इसी में भलाई है। वो किसको? तुमको। ओफो, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, भरोसा करो। तुम पर भरोसा करना और कुत्ते के दुम सीधी करना एक के है। ये हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। चलो भाई से माफी मांग लो। भाई गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। अब ये बिल्कुल बदल गया भाई, इसे अपने साथ में रख लीजिए, जो आप बोलेंगे वही करेगा। करे? हाँ भाई, तुम जैसा बोलोगे करूंगा। इसको मार दो। मार दो। ये क्या भाई, ये क्या रिश्ता समझो? हाँ इसको तुम लेकर आए थे ना, और ये तुम्ही को टपका रहा, समझे कितना बड़ा लफंगा है। साले मार डालूंगा तुझको भाई, इसे मार कर गाय के गोबर में दफना देते हैं, केस ही नहीं होगा, मैं देख लूंगा। ए, तुम लोग यहाँ पर आवाज मत करो, भैंसे घबरा जाएगी और हमको भैंस से दूध निकालना है, इसकी का औकात? तुम ड्यूटी पर जाओ, हम इसको देख लूंगा। बेशरम कुत्ता कहीं का, एहसान फरामोश। बिटवा योगी, बुजुर्ग होने के नाते को न्याय की बात कहता हूँ। पास्ट इज पास्ट अंग्रेजी में बोलते है ना, तुम भी भूल जाओ। आज से सुरेंद्र तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठाएगा भाई, चल अब माफ कर दे, इसका धंधा ही करेगा, क्या कहते हो? अगर धंधे का मतलब गरीबों का पेट मारना है, भोले भालों को लूटना है तो होने नहीं दूंगा। ऐसी बातें अपने बिजनेस में मामूली बात है। तुम्हारे लिए मामूली होगी, मेरे लिए नहीं। ये बात नहीं है बेटवा, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, यही मेरा आखिरी फैसला है। रुक रे, क्या बे? भाई जी को ही धमका दे तू, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? एक मारूंगा तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी। अरे बड़ बोले, चुप, आवाज कम करो वरना भैंस भड़क जाएगी, समझे? तुमको क्या मालूम इसका बैकग्राउंड? हटो बिटवा, तुम जाओ बिटवा। अरे साइड देना। क्यों रोका भाई जी, एक गुस्सा मारता तो मर जाता। अरे तभी तो रोका। कृष्णा आज इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, मौत के मुंह से वापस आ गया सेफली। हाँ भाई जी। तू कहे भाई, ऐसे मुंह लटकाए खड़े हो, क्या हुआ? ये क्या भाई, क्या समझता है अपने आपको? जेल से छुड़ाकर आप बाहर लाए और वो तुम्हारे सर पर बैठ गया। हाँ। अब तो तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं करता। कहा करें, आज उसका वक्त अच्छा है, खत्म कर देते। छी, छी, नलाई कहीं का। अब तुमको क्या हुआ कृष्णा? नहीं वो ठीक नहीं लगता, योगी को मारने की बात मुझे पसंद नहीं, एहसान फरामोश लोग हैं, बेकार की जिंदगी, बेकार के लोग, हरामखोर। भाई हम जनता से वसूलते हैं तो वो हमसे वसूल के जनता में बांटता है, हमें उसको अपने रास्ते से हटाना ही होगा, कुछ मत सोचो। हेलो, क्या है? मुझे योगी से मिलना है। भैया औरतों से बात नहीं करता। क्यों? औरतों ने उनका क्या बिगाड़ा है? सुनो बेटी, उसने मना किया था ना, फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? आखिर चाहती क्या हो? इंटरव्यू लेना है। ये सब बेकार की बातें हैं, तुम जाओ यहाँ से। जाओ, अरे तुम्हें योगी भाई बुला रहे हैं, जाओ। थैंक यू, चलती हूँ। क्यों बे, सचमुच उसने बुलाया है? नहीं, मैंने ही उसे भेज दिया। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल देखकर तो कोई आती नहीं, कम से कम भाई से तो मिलने आई। तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हो, क्या जानना चाहती हो? कुछ जानने के लिए नहीं योगी, बताने के लिए। तुम जो अच्छे काम कर रहे हो उससे लोग तुम्हें पसंद करने लगे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम पर न्यूज रिपोर्ट तैयार करके मैंने प्रैक्टिकल पास कर लिए हैं और जर्नलिस्ट बन गई हूँ। प्लीज मेरी डिग्री का ख्याल करके अपने बारे में कुछ बताओ ना।
प्लीज। बताना क्या है, काम ढूंढते हुए हजारों लोग रोज इस शहर में आते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह आया था। शिवजी मुझे जल्दी से नौकरी दिलाओ ताकि मैं जल्दी पैसे कमा के माँ के लिए सोने के कंगन खरीदकर गांव वापस जा सकूं, ठीक है ना? भैया इधर बादशाह भाई का घर किधर है? कौन सा बादशाह? बादशाह को नहीं जानते, बेलापुर का बादशाह। हे भगवान, रात के खाने का बंदोबस्त हो गया। उसने कहा था मंदिर के पास आके पूछना, कोई भी बता दे। जानता ना, तुम बादशाह के लिए आए हो क्या? तुम बादशाह को जानते हो? जानता हूँ, उसे नौकरी हमने तो दिलाई। भैया सुनो ना, मुझे बादशाह के पास ले चलो। चलो चलता हूँ बाबा। ऐसा ही साहब को नमस्ते बोलना। देखो भाई, तीन चपाती, तीन इडली, तीन डोसा। फिर कोई भोला भाला फंस गया इसके चंगुल में। हम तो दो ही लोग हैं ना, फिर तीन क्यों मंगवाई? ये तो मैंने अपने लिए मंगवाया ब्रदर। अरे इतना सब? अभी कम है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना, खाने का टाइम भी नहीं मिलता, तभी तो तीन वक्त का खाना एक बार में खा लेता हूँ। क्यों छोटू, मजे में है ना? ठीक हूँ। तेरे पेट में कोई मशीन है क्या? नहीं तो रोज इतना खाना कैसे खा लेते हो? ये भैया दिन भर बिजी रहते हैं, तभी तो तीन बार का खाना एक बार में खाते हैं। बिल्कुल, ये काफी बिजी है, तभी तो हर बार खाना पेट में ठूस के इकट्ठे खाता है। अबे बेकार आदमी, काम नाम कुछ नहीं है, चल भाग। बेकार की बातें करता रहता। भैया उसने कुछ गलत बोला क्या? वो तो ठीक है ब्रदर, वो तो बच्चा है, परेशान करता रहता रोज रोज। कुछ देर तक तुम बात मत करो वरना सब ठंडा हो जाएगा। आप खाओ भैया खाओ। सुनो तुम चपाती जरा नरम बनाया करो, हजम करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तुझे खाना खाने और हजम करने के अलावा कुछ नहीं सूझता? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बहुत बिजी है ना, इसीलिए एक ही बार खा के टाइम बचा लेते हैं। मैंने ठीक कहा ना? ब्रदर ऐसी बातें ज्यादा मत करो, इससे तो बिल्कुल मत कहो। बिल कितना हुआ? 65 रुपए हुए। क्या 500 का चिल्लर है क्या? देखो 1000 का भी है मेरे पास, पहले ब्रदर चिल्लर पूरा मुझे दे दोगे तो तुम क्या करोगे? ब्रदर तेरे पास है क्या चेंज? हाँ है ना? दे दो। बेचारा। अच्छा अपने फ्रेंड का नाम बताओ। बादशाह भैया। क्या करता है वो? आपने तो कहा जानता हूँ। हाँ वही ब्रदर, हमें खाने से पहले सब याद होता है, खाने के बाद सब भूल जाता हूँ। तुम एक काम करो, यही बैठो, मैं जाकर उसे अपने साथ लाता हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है भैया। मेरे वापस आने तक तुम कहीं मत जाना। हाँ यहीं बैठा रहूंगा। ए भाई कितने की गेम खेल रहे हो? 1000 की गेम चल रही भाई। 1000 की? जनता हम पे खुश रहेगी तो 1000 क्या 15000 की भी खेलेंगी। हाँ भाई। सुरेंद्र भाई को फोन देना। बोलो। भाई गोविंद स्टीम कार में अकेला निकला है। किस रोड से आ रहा है वो? कुर्ला बांद्रा रोड पे निकला है इसी वक्त, उसके साथ कृष्णा भी है। कार नंबर क्या है? किसकी राह देख रहे हो तुम? उस ब्रदर की राह देख रहा। अरे अब वो ब्रदर ब्रदर कोई नहीं आएगा, ये लो चादर ओढ़ के सो जाओ। ये शहर है तुम्हारा गांव नहीं, यहाँ सब धोखेबाज हैं। चाचा कहना है तो मुझे कहो, लेकिन इस शहर को कुछ मत कहो। कितना अच्छा शहर है ये चाचा, आते ही ब्रदर जैसा मिला, नौकरी भी दिलाएगा बोला, ऐसा शहर और कहाँ होगा? जैसी तेरी मर्जी, फिर से बोल रहा हूँ सुबह की बस पकड़ो और गाँव चले जाओ। मैं बोल रहा हूँ नौकरी मिलने तक मैं शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। सो जाता हूँ, वो ब्रदर आके उठाएगा। अरे सुरेंद्र ये क्या हो रहा है? भाई जी चल गाड़ी निकाल। भाई साहब सुने भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? बहुत खून बह चुका है, किसी भी तरह बचाइए इन्हें। कम ऑन फास्ट। सिस्टर यहाँ गोविंद को किसने भर्ती किया? साहब मैंने किया। तुमने? हाँ साहब मैंने।
तुम उस गोविंद के गैंग में कब से काम कर रहे हो बताओ। अरे भैया गोविंद कौन है, कौन उसे मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं, माँ कसम मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं पता तो हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया? क्या बात कर रहे हैं सर जी, इंसान की मदद करना गलत है क्या? हाँ बताइए ना। वो सुरेंद्र तो भाग गया है, जो मिले हैं उनसे हमारे डिपार्टमेंट के लोग पूछताछ कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जिसने भर्ती कराया बहुत ही इनोसेंट है, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ मालूम है। चाचा चाचा ये कैसा शहर है, मदद करने वाले को मारते हैं, छोड़ने को बोलिए ना चाचा। नमस्ते सर। हाँ कहिए बाबा जी। ये छोकरा जो है ना सर बड़ा ही भोला है, इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं। हाँ सर जी माँ कसम खा के बोलता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। अरे तुम रुको यार, रात से दिमाग खा रहे हो। अरे सुनिए माधो जी, इनका नाम पुरानी वाली लिस्ट में तो नहीं ना? नहीं सर, ये तो कल ही आया है गाँव से, बड़ा भोला छोकरा है, उसकी तरफ से मैं दस्तखत करता हूँ, उसे छोड़ दो। इसका नाम क्या है? वो इसका नाम योगी है। सुनो अपने मरे हुए बेटे का नाम बोल के तुझे बाहर लाया हूँ, सीधे अपने गांव चले जाओ। अभी तो आपने मुझे बेटा कहा और अभी तुरंत जाने को बोल रहे हैं? मुझे काम चाहिए चाचा। ऐसी खुशबू किसी में नहीं रहे। हाँ भाई बहुत अच्छी है। भाई वो गोविंद बच गया है, हम पर केस भी कर रहा है और इंस्पेक्टर भी उसका पक्ष ले रहा है, आप जरा डीएसपी से बात करिए। फोन कर। भाई दीदी का फोन है। कौन से दीदी भाई? वो झुवाली लक्ष्मी। ठीक है। अरे परसों ही तो आया था, नेक्स्ट वीक फिर आऊंगा। भैया डीएसपी लाइन पर। लाइन मत काटना। हेलो डीएसपी साहब आप? अरे आप है तो मुझे क्या गम, उस गोविंद यादव वाले केस में अपने सुरेंद्र को A1 लिस्ट में रखा गया, वो बच्चा है साहब बच्चा। आपने जिन तीन लोगों को पकड़ा है उनको A1, A2, A3 करके इसे A4 में दिखाने के लिए उस पुलिस स्टेशन के SI को फोन करके बोल दीजिए साहब, उसके बाद बेल वगैरह देकर छुड़ा लूंगा। ए डीएसपी से बात कर रहा हूँ, उसका मुंह बंद करो। अरे कुछ चिपकाओ से, कुछ चिपकाओ। एक छोटा सा मामला है साहब, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट पहुंचा दूंगा मैं। भाई फोन। हेलो, विस्की मार्केट में नहीं मिल रही है, ब्रांडी भेज देता हूँ, पी लो। इसके घर के आसपास अपने लड़कों को लगा। महेश वजीर को भेज देता हूँ। अरे आदमी क्यों, औरतों को भेजो ना, वो साली शराब पीते ही गाली बकती है। अरे इसका क्या प्रॉब्लम है? इसको हाईवे का टेंडर चाहिए, ये गोविंद का आदमी है। अरे तुझे जान की कीमत का पता नहीं है? किसी एक को मारने के लिए कोई बड़ा कारण होना चाहिए। ठीक है आप ही बता करिए। चल रहे टेंडर को भूल जा। भूल जा रहे? नहीं। सुना तूने, कारण मिल गया, अब मार डालो इसको। तेरी तो साले। अरे योगी कैसा लग रहा हूँ चाचा मैं? तू तो हीरो लग रहा है बेटा। चाचा बड़े चमक रहे हैं। मेरी माँ के हाथ में डालूंगा तो और चमकेंगे। तुम बहुत ही जिद्दी हो, जो सोचते हो कर देते हो। सुनो बस का किराया कितना चाहिए तुझे? भाई साइड पे आया हुआ है, जल्दी से चाय भेजो। ठीक है भाई। ए जल्दी से भैया के लिए स्पेशल चाय बनाओ। सुनो योगी ये चाय तुमने जाकर साइड पर देखे। चाचा ये ड्रेस खराब हो जाएगी ना, अभी तो हीरो कहा और अभी चाय लेके जाने को कह रहे हो, क्या चाचा? समय पर पता नहीं छोटू कहाँ चला गया, तू देख आना। छोड़ो भी चाचा, देखो बस का टाइम भी हो गया, मुझे अपने गाँव जाना है, माँ को देखना है। मेरे प्यारा बेटा चल आखिरी बार चाय दे किया जा। ठीक है जाता हूँ, वापस नहीं आऊंगा, वहीं से गांव चला जाऊंगा। पगला कहीं क्या। ये लो भैया चाय। भाई गोविंद को बचाने वाला यही है। लो भैया चाय। इसकी चमड़ी उधेड़ के उसे भेज दो, उसकी बूढ़ी हड्डियों में जाना चाहिए। चाय लीजिए भैया। तुझे क्या पड़ी है, रोड पर चाहे कोई जिए या मरे। कौन भैया? उस मरते हुए आदमी को हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया बोलो। ओ, वो क्या आंखों के सामने कोई आदमी मर रहा हो तो देखते हुए कैसे छोड़ देता? छोड़ना था साले, तेरी माँ की। मेरी माँ को गाली देते हो? मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा कमीने? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, चलो हटो। इधर आओ, इधर आओ। देखिए भाई साहब मैं झगड़ा नहीं करना चाहता,
अपने गांव वापस जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। क्या है ये? कंगन है भाई साहब, मेरी माँ के लिए। चल दिखा। तेरी माँ के लिए या किसी नाचने वाली के लिए? भाई साहब वो कंगन मेरी माँ के है, दे दीजिए मैं चला जाऊंगा। चले जाना बच्चे, बड़ी चर्बी चढ़ गई है ना तुझे। क्यों रे, मेरे भाई की शर्ट पकड़ता है तू? हाँ ये कंगन मेरी माँ के वास्ते हैं, उनसे खिलवाड़ मत करो, दे दो। ओ माँ के वास्ते? अरे बाप रे, भागो। शंकर, भाई भाई ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर तो सबकी हड्डी पसलियां तोड़ रहे हैं, चलो वहां चले। माँ किसी भी तरह मुझे मेरे बेटे से मिला दे। मेरी माँ के कंगन को पैर से दबाता है तू? माँ का मतलब भी जानता है हाँ? कुत्ते कमीने। माँ
मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा इसे। सतीश, ओह माय गॉड, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। महेश गाड़ी निकाल। ढूंढो उसे, ढूंढो साले को। अरे यहां पर तुम किसको ढूंढ रहे हो योगी? मैं किसको ढूंढ रहा हूं और क्यों ढूंढ रहा हूं यह भी जानते हो तुम। और अगर मेरे आदमियों को कुछ हुआ तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योगी भाई, उसको सब जगह ढूंढा, कहीं पर नहीं मिला वो। उस सुरेंद्र से बोल देना तुम कि मेरा खून गर्म है और बहुत खौलता है। मेरी तलवार म्यान से बाहर है। मैं दोस्तों का दोस्त हूं और दुश्मनों का दुश्मन। मां कसम छोड़ूंगा नहीं। अरे कृष्णा, उसने जो कुछ भी बोला सुना ना? सुना भाई जी। उस सुरेंद्र को बोलते हुए हमको भी चुनौती दे गया, समझ रहा है ना तू? समझ रहा हूँ भाई जी। सॉरी भाई जी। कहा सॉरी? इतना बढ़िया स्केच बना के दिया था लेकिन मार नहीं पाए उसको। गोली तो चलाई थी भाई, मिस हो गई। तेरा बुलेट मिस हो गया लेकिन उसका तलवार नहीं मिस होगा, होशियार रहना भाई जी। कहा है? वो साला सुरेंद्र हमको टपकाने की सोच रहा था, इस योगी ने हमें बचाया। सुरेंद्र का साथ देकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई जी। योगी को मारकर एक गलती और मत करो भाई। कांजा के पेड़ में अगर तुलसी का पेड़ आ गया तो क्या करेंगे? उखाड़ फेंकेंगे ना, यही हमारे धंधे में भी है। ओम नमः शिवाय। स्वामी, मैं नजदीक जाके चोरी करूंगा तो मेरा कीमा बना देंगे, तभी तो पास आया हूँ। चोरी के लिए माफी चाहता हूँ। भिकमंगे हो गए, नॉनसेंस। कितना प्यारा बच्चा है। हा? सर, आपका बेटा बिल्कुल आप पे गया है। ओए, मेरा बेटा है। सचमुच? इसका मतलब आप बिल्कुल अपने बेटे जैसे हैं। अबे चुप कर यार, तुम जल्दी बांधो यार। तुम बड़े हो के ना बहुत रुपया पैसा कमाना और बस सोना ही खरीदना और कुछ मत खरीदना। क्या है ना, मुझ जैसे अंकल का फायदा होगा ना। मैं जब गांव में थी ना तो योगी को रोज मंदिर ले जाया करती थी। मम्मी मम्मी, क्या बात है बेटा, क्यों जिद कर रहा है? तो अंकल है ना, कौन से इतना बड़ा है शहर का मंदिर, वही ब्लू शर्ट वाले। हाँ क्या हुआ? घर जाते हो खरीदूंगा चॉकलेट, जब देखो चॉकलेट तुम्हें चाहिए। गलती हो गई सर। अरे मैं हूँ प्रसाद यार। किस एरिया के ऐसा ही हो? अरे मुड़ के तो देख। अरे प्रसाद, तुम यार शहर कब आए, मुझसे मिले क्यों नहीं? कहाँ नहीं ढूंढा, इस मंदिर का एड्रेस देके यहाँ आने को बोला, यहाँ नहीं मिला तो कहाँ ढूंढता तुझे? ओ, वो चर्च गेट के पास ओपन एयर में नया मंदिर बन रहा था ना, वहीं पर 6 महीने रुकना पड़ा मुझे। चर्च गेट के पास मंदिर कहाँ है? वहाँ तो जेल है। बिल्कुल है, उसी के अंदर मंदिर भी है। वहाँ पर पंडित जी भी है, पूजा करवाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं वहाँ पर। तुम्हें उससे क्या लेना देना? और दोस्त, गाँव में माँ कैसी है बताना? माँ गाँव में नहीं है रे। फिर? यहीं पर है। हम दोनों का और कोई नहीं है इस दुनिया में, हम दोनों को मिला दो प्रभु। मैं मिलाऊंगा माँ से। सच? इस शहर में अपना नेटवर्क फैला हुआ है, एड्रेस दिया ना तूने, मैं इस एड्रेस पर माँ को लेकर जरूर आऊंगा। ओके मम्मी मम्मी, वही अंकल है, वही अंकल है। ओम नमः शिवाय। Oh, oh, oh.
क्या बात है, मुझे तुरंत आने को कहा? ये चोट कैसी? मुझे गुंडे ने मारा यार। कौन है वो? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे वो शादी करने वाला है। मैंने उसे रोका तो उसने मारा मुझे। बताना कौन है वो? एक स्प्लिट पर्सनालिटी वाला यार। स्प्लिट पर्सनालिटी? इसका क्या मतलब? अपरिचित में विक्रम जैसी पर्सनालिटी। वो अपरिचित का विक्रम है तो मैं भी चंद्रमुखी का रजनीकांत हूं। ए, और कितने दिनों तक फिल्मी डायलॉग बोलते रहोगे? एक बार और एडजस्ट कर लो प्लीज। ठीक है जा मारो। इस वक्त कहाँ होगा वो? क्या नाम है? कुमारी। नाम तो बड़ा साधारण है, शक्ल लाजवाब है। ये क्या केले हैं? ऊपर से कटे हुए क्यों हैं? ये क्या सिल्क की साड़ी? इसमें सिल्क कहाँ है? वो क्या मिठाइयाँ? उस पर ढक्कन नहीं। किसी में शुद्धता नहीं, मर्यादा नहीं, जिम्मेदारी नहीं। यहाँ किसी को भी साफ सफाई की कोई चिंता ही नहीं है। जहाँ देखो गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी। भैया बाहर वो कोई रजनीकांत के स्टाइल में फाइट कर रहा है। भगवान तू ये दूल्हा राजा ध्यान से सुन एक बात। या तो जिसे तुम प्यार करते हो उस लड़की से शादी करो, या फिर तुमसे जो लड़की प्यार करती है उससे शादी करो, लेकिन किसी और के प्यार को हथिया के शादी करना चाहते हो? देखिए अब तक 37 बार मेरी शादी रुक गई है, दया करके मेरी शादी मत रुकिए सर जी। अरे 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 मुझसे मिन्नत कर रहा है? तुझ में कोई स्प्लिट, हाँ स्प्लिट पर्सनैलिटी घुसी हुई है, उसे बाहर निकाल। बाहर निकाल, मैं भी देखता हूँ उसे। बाहर निकाल, बाहर निकाल। कमान 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 कमान। वैसे आज तारीख क्या है? 15 जनवरी। 15 फरवरी तक नहीं उठेगा। तब तक मैं तुम्हारे लवर से तुम्हारी शादी करा दूंगा। कम अबे ओए। आवाज बदल के बोल रही हो? मैंने नहीं जी। क्यों मारा उसे तूने? किसे? ये क्या सर, आप ऐसे गिर गए? मुझे मार के आप क्यों गिर गए सर? ए, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है? अबे तुझे भी नहीं पता मेरे बारे में? अभी थोड़ी देर पहले प्यार व्यार पर लेक्चर बहुत दे रहा था। मैंने कब दिया सर? ये क्या सर, आप ऐसे क्यों कांपने लगे? इसी मूड में रहो ना, मैं भाग जाऊंगा। सर अब तक करीब 37 लोगों ने मेरी शादी रोक दी सर। उन 37 लोगों को मैंने ही मारा था। अब आप बीच में आएंगे तो तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। छोटी सी गलती के लिए जान से मार देंगे क्या? एक शादी को रोकना छोटी गलती है क्या? हाँ सर। वही 10 लोग 10 शादियाँ 10 बार रोकेंगे तो? थोड़ी बड़ी गलती होगी सर। फिर 37 लोग 37 शादियाँ 37 बार रोकेंगे तो? तब तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सर। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ सब मिलके एक बड़ी गलती बना के उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो उसकी शादी कैसे होगी? जी सर, मेड इन हेवन कहते हैं ना। सर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं जी? कर दिया तूने। मैंने अपने जीवन में महमूद को देखा, जॉनी वॉकर को देखा, जॉनी लीवर को देखा, राजपाल यादव को देखा, सबको देखा, मगर तेरे जैसा बड़ा कॉमेडियन नहीं देखा। आई लव यू, तुझे नहीं उसे। मैं हीरो की तरह मार रहा हूँ और तुम कॉमेडियन से मुझे जोड़ते हो? जानते हो तुम जैसों को क्या सजा देता हूँ मैं? नहीं जानता। जोर से नहीं जानता। जानता हूँ, फिल्म में देखा हूँ। सगाई रोकने की सजा अंधकूपम, शादी रोकने की सजा कुंभपाकम, सुहागरात रोकने की सजा किर्मि भोजनम, लेकिन तुम जैसे शादी रोकने वाले को शूल दंड नाम। शूल दंड मतलब फूलों की माला पहनाओगे क्या? मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ यार। सर ये क्या सर, इसको यहाँ क्यों ले आए हैं? ए तूने, आप ही ने तो लाके रखा है सर। मैं क्यों लाया हूँ यहाँ पे? यू फॉरगेट दैट समथिंग सूल दंडनम। सूल दंडनम मतलब इस पे बैठो। सर कुर्सी वहाँ पर है तो इस पर क्यों बैठे हैं जी? क्या करूँ, सबका अलग अलग टेस्ट है। बड़ा मजा आया ना, अपने आप को रजनीकांत समझते हैं?
हम भी फिल्में देखते हैं और उसे सीखते भी हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, समझे? आपसे शादी करूंगी जी। थैंक्स जी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये शांति माँ की स्टोरी है, वो तो योगी की स्टोरी है। इनका बेटा गांव से आया, एक भोला भाला इंसान है। योगी शहर का बड़ा गुंडा है सर, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? क्यों, भोला आदमी क्या गुंडा नहीं बन सकता? ये बात नहीं है सर, तुम्हारे रिसर्च में गड़बड़ है, डिटेल्स मिस करे हैं तुमने। इनकी कहानी में बेटा है, उसकी कहानी में माँ है, ये दोनों माँ बेटे क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं सर? अगर हो गए तो तुम्हारा आर्टिकल बहुत सेंसेशन हो जाएगा। क्या सर, मैं जब भी कुछ बढ़िया रिपोर्ट लाती हूँ आप उसे गलत बताते हैं। आपको जानना है ना कि योगी के माँ बाप कौन है, उसकी डिटेल्स चाहिए ना? बिल्कुल, अभी ले आती हूँ सर। अरे छोटू इधर आ रहे। क्या बाबा जी? योगी ने इसको कहा था पीछा मत करो, फिर भी ये बाज नहीं आती। मैंने बहुतों को देखा है, सब लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। सुन, तू बहुत ही बिगड़ गया है रे। बात ही करता हूँ, बिगड़ा कहाँ हूँ। चुप कर, बहुत जवान चलने लगी है। सुन, उस लड़की को उल्टा सीधा बोल के भेज दे। ठीक है। हाय छोटू। क्या है दीदी, योगी कहाँ है? नहीं है ना। ये क्या, कोई भी मुझे ठीक से नहीं बता रहा है कि वो कहाँ पर है। पता नहीं वो कब कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, जरा क्लू तो दो ना। मुझे लगता है कि वो तुमसे घबरा कर रेगिस्तान में चला गया होगा। ए, चुप कर। चुप हो जाता हूँ। योगी, रेगिस्तान में हो? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आंखें बंद करके रेगिस्तान में मेरा इंतजार करो, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। योगी, योगी हाय। अरे फिर से आ गई तुम, गुस्सा क्यों होते हो योगी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ठीक है, क्या बात है बोलो। परसों तुमने जो इंटरव्यू दिया वो पूरा कहाँ हुआ? तुमने अपने माता पिता का नाम ही नहीं बताया। नहीं बताया होगा, तुमने पूछा ही नहीं। मेरा गांव है बेलापुर। क्या? बेलापुर। हमारा भिलाई के बगल में बेलापुर गांव। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? शांति प्रसाद। तुम्हारा पूरा नाम? ईश्वर प्रसाद। योगी, योगी क्या हुआ, इतने उत्तेजित क्यों हो रही हो? यहाँ कोई फोन है? अंदर है। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका डाउट सच निकला, योगी और कोई नहीं शांति आंटी का बेटा है। ओ ग्रेट, आपने माँ बेटे को मिलाया है सर, ये खुशी मैं कभी नहीं भूलूंगी। भैया, भैया चाचा को क्या हुआ, क्या हुआ चाचा को? तुरंत जाके उस माँ को ये बात बताओगी तो कितनी खुश होगी देखना तुम। जाओ। योगी, तुम्हारी माँ मेरे घर में ही है। योगी, योगी, योगी। बादशाह, यहाँ क्या करेंगे बादशाह, ये तो मिडिल क्लास फ्लैट है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे शाहरुख खान, हमारा काम चिट फंड कंपनी जैसा। हमारा टारगेट है ये मिडिल क्लास। कितना भी लूटो, कितनी बार भी लूटो, कोई बोलेगा नहीं। यत्रनाम मिडिल क्लास, तत्रनाम पुजीत। छोटे छोटे बैंक ले लो या चिट फंड कंपनी ले लो, जू बीच में जगह ले लो, बड़े बड़े फ्लैट ले लो, मिडिल क्लास को ही बेचेगा बड़ी बड़ी तिजोरियां। इसके मतलब इसका मतलब क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। टारगेट है मिडिल क्लास। तुम ऐसा करो, जल्दी से चौपाटी चले जाओ। मुझे मत देखना, रुकना नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जनार्दन। जनार्दन क्या करते हैं? ऐसा ही जनार्दन का बेटा है। देखो बेटा, इस चेन को ना ऐसे बाहर नहीं रखते, चोर उड़ा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने इसे रिश्वत के पैसे से ही खरीदी होगी। इसे ना ऐसे निकाल के, ऐसे हाथ में रख के और ऐसे जेब में रख लेना चाहिए। चेन क्यों निकाल रहे हो? बेटा ये चोर सिपाही का खेल है। मैं ये चेन को लेके उस खम्बे के पीछे छुप जाऊंगा, फिर तुम वहाँ पकड़ने आना, मैं चेन के साथ चॉकलेट भी दूंगा। बेटा गिनती करो, गिनती करो। है तो गिनना बेटा है। दो। हमारा रायपुर के पास बेलापुर गांव है। मैं और मेरा बेटा शांति माँ। बादशाह आंटी, आंटी आपका बेटा मिल गया। आंटी प्रसाद से तुम मिले क्या? मिला ही नहीं माँ, एड्रेस भी ले लिया उसका। आंटी कहाँ है आप? आंटी अरे बंटी इधर आ, इधर आ। तुम दीदी से बोलो कि मेरा बेटा मिल गया है। हाँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी चलो। बेटे से मिलने का टाइम आया तब पता नहीं कहाँ चली गई। ओए तुमने आंटी को देखा क्या? उनका बेटा मिल गया, उससे मिलने गई है। ओह
चाचा क्या हुआ? उस सुरेंद्र ने हम सबको शहर छोड़ने को बोला है, नहीं तो वो छोटू को मार डालेगा। छोटू कहाँ है? भाई योगी आया है। मार डालूंगा। कुत्ता हंसता है, पागल दिखता हूं मैं तुझे। ए, लाल मिर्ची निकालो, कोई भी यहां से बच के नहीं जाएगा। ए सुरेंद्र, नमस्ते सर, यहाँ प्रसाद नाम का कोई आदमी रहता है? कौन सा प्रसाद? ईश्वर प्रसाद, बेलापुर से आया है वो। हाँ, उस नाम वाला यहाँ कोई नहीं रहता है, ये बाबा जी नाम के आदमी का होटल है। वैसे यहाँ ईश्वर प्रसाद नाम का कोई भी आदमी नहीं रहता है, कहीं और ढूंढो उसे। एड्रेस तो यही बताया था सर। फालतू बात मत कर, चल दफा हो जा। माँ तुम चिंता मत करो माँ, वैसे आज सोमवार है ना, वो हर सोमवार को शिवजी के मंदिर जरूर आता है, उसने बोला था। चलो वहीं चलते हैं। माँ, इतने दिनों बाद प्रसाद को मिलोगी तो क्या करोगी? मैं उसे पकड़कर तुरंत गांव ले जाऊंगी बेटा। हाँ। माँ तुम ठीक तो हो ना? ओह, ये सब क्या? इस शहर में तो ये मामूली बात है, सुबह की बिरयानी हजम होनी चाहिए ना। अरे बाप रे, ऐसे शहर में मेरा बेटा एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, उसे तुरंत ले जाना होगा। चलो जल्दी से चलते हैं। योगी, योगी मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी तुझसे नहीं मिलूंगा, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे छोड़। क्यों रे, क्यों? मैं सीधा गांव जा रहा था, क्यों मुझे इस दलदल में घसीटा? ये तलवार पकड़े तो उसका कारण तुम हो, अपनी माँ से दूर हो गया उसका कारण तुम हो, इस शहर का दादा बना तेरी बदौलत। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, क्या कसूर है मेरा? योगी, मैं मुंबई छोड़ के चला जाऊंगा, इस दफा मुझे माफ कर दे भाई, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई। खत्म कर दो साले को, छोड़ना नहीं भाई। चुप कर, चुप कर, मार दो, खत्म कर दो, उसके सिवा और कुछ नहीं। एक को मारने से ही मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। सुनो, तुम यहां से कहीं भी भाग जाओ, फिर कभी मेरे सामने मत आना, और अगर सामने आए तो खल्लास कर दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुम नहीं सुधरोगे। सोमवार के सोमवार उसे शिव मंदिर जाना मैंने ही सिखाया था, आज मेरा बेटा मुझे देखते ही कितना खुश होगा। वो खुश होगा कि नहीं ये तो नहीं जानता,
मगर तुम जरूर खुशी से पागल हो रही हो। hey! नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है, आज मंदिर में भी आ गए? तुम्हें एसआई साहब ने बुलाया है। सर, मेरे बचपन का दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, उसी की राह देख रहा हूँ, थोड़ी देर में आकर मिलता हूँ। देखो बेकार की बातें बंद करो और चलो चुपचाप। एक मिनट में आया। बादशाह, वो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? वो इंस्पेक्टर मेरा पुराना दोस्त है, मुझसे कुछ बात करना चाहता है, बस अभी 5 मिनट में जाके आता हूँ बस। क्यों बादशाह, प्रसाद जरूर आएगा ना? आ जाएगा माँ, तब तक तो मैं भी आ जाऊंगा ना, तुम यहीं बैठी रहो। मुझे यहाँ क्यों लाया हो? मुझे मंदिर जाना है। आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? कहा ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंदिर जाके रहूंगा। चलो भाई समझा करो, हम अभी सुरेंद्र को खत्म करके आ रहे हैं। इस समय मंदिर जाना है घर जाना खतरे से खाली नहीं, इस जगह को कोई नहीं जानता, हम आज की रात यही गुजारेंगे। ए, किससे खतरा? नसीब में जो लिखा है वही होगा, हम किसी से डरते वरते नहीं। अरे चुप कर, कल सुबह भी मंदिर जा सकते हैं, बस एक ही दिन की तो बात है। यहाँ पर मत बैठो, चलो बाहर जाओ। मेरा बेटा आने वाला है। चलो जाओ बाहर, ये मंदिर है। मेरे बेटे के आते ही चली जाऊंगी। चले आते हैं, कहाँ कहाँ से जाओ। कितनी दुआओं से कितनी मुरादों से जीवन ने ली अंगड़ाई। दाइमा क्या हुआ? बच्चे की सांसें तो चल रही है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। अरे ये क्या बोल रही हो? मुझे तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा मत कहिए आप लोग, वो ईश्वर का प्रसाद है, इतने सालों के बाद पैदा हुआ है। मेरे बेटे को मुझे लाके दो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। अपनी जान दे दूंगी मगर इसे किसी भी तरह बचाऊंगी, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। और जिंदगी मुस्कुराई, खुशियां मेरे घर में आई। जीवन ने ली अंगड़ाई, जाने घड़ी कैसी आई, हुई जिंदगी क्यों पराई। के गौरी नारायणी नमोस्तुते। रात भर तुम भीगती हो यहीं बैठी रही, इससे तो अच्छा होता वहाँ जाकर आराम करती। ये मंदिर भी जिनका घर नहीं उनके लिए ही बना लगता है, भगवान के लिए नहीं बना है ये मंदिर। अरे रे रे, ये क्या माँ, प्रसाद अभी तक नहीं आया? आपसे बोला तो था, वो पुराना दोस्त है, उसने छोड़ा ही नहीं। अच्छा अच्छा, पहले नहा धो के कुछ खाते हैं। चलो माँ। शांति माँ। शांति माँ, शांति माँ, ये क्या हो गया? प्रसाद मेरे दोस्त। चल भाई गाड़ी निकाल, मंदिर जाना है। शिव शिव, मंगलवार के दिन मंदिर के सामने शव तुरंत ले जाओ इसे। पंडित जी, इनका सिर्फ एक ही बेटा है, उसे देखे बिना ही चल बसी। कम से कम इनके शव को तो उस बेटे को देखने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। जो कल नहीं आया वो आज कैसे आ जाएगा? तुम जल्दी से निकालो इसको यहाँ से, हमें मंदिर शुद्ध करना है। शांति माँ, तुम्हारे बेटे से नहीं मिला सका, तेरे बेटे के दर्शन नहीं करा सका, मुझे माफ कर देना शांति माँ, माफ कर देना। क्या हुआ?
पता नहीं भाई, कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। तुम गाड़ी पे बैठे रहो, मैं जाके मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं पैदल ही मंदिर जाता हूँ। भाई भाई अकेले मत जाओ वहाँ। नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, फिर क्यों डरना। ए, गाड़ी रोको। ए बादशाह रुको रुको। क्या बे, कहाँ गायब हो गया था तू? परसों तूने वहां से चेन उड़ाई और अकाउंट भी सेटल नहीं किया। सर हमारे गांव की है सर, अंतिम संस्कार करने ले जा रहा हूँ, खत्म होते ही मैं खुद स्टेशन आ जाऊंगा सर। सुन, क्या ये सही बोल रहा है? देखो सर, हमको कुछ नहीं मालूम, पैसा दिया इसलिए उठा के लेके जा रहे हैं। आजकल तू कुछ ज्यादा चलाक हो गया है क्या रे? सब कुछ उड़ा लिया, लाश तक नहीं छोड़ा? ऐसा मत कहिए सर, वो मेरी माँ के समान है। गले में चेन हो तो किसी को भी माँ बना लेते हो तुम लोग। ये हिंदू है और तू मुसलमान, फिर तेरी माँ कैसे हुई? सर ये धर्म, ये भेदभाव यहाँ शहरों में है, हमारे गाँव में तो सभी धर्मों के लोग परिवार की तरह रहते हैं सर। क्या रे, आजकल तो तू लेक्चरबाजी करने लगा। चल गाड़ी बैठ, चल सर। सर चल गाड़ी में बैठ। भाई इनको समझाने जाओ, मैं पहुंचता हूँ। आजा चुपचाप, आजा चलो। ओए जी जरा रुको। ये क्या, सिर्फ चार लोग उठा के ले जा रहे हो? चार लोग नहीं तो क्या 400 लोग शव उठा के लेके जाएंगे? वैसे भी अनाथ शव है ये। ओ, कोई अनाथ है। भैया जब तक जिंदा रहते कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं, मौत तो खुशी से ही जानी चाहिए ना। सबको हंसते खेलते गाते हुए विदा करना चाहिए, मेरी माँ हमेशा कहती थी। मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा, यहाँ बैंड बाजा मिलता है क्या? के घर में रहती थी दादी माँ, बेचारी मर गई। हाँ ठीक है, मैं उसे माल वसूल कर लेता हूँ, बाद में देख लेंगे। भाई योगी अकेले जा रहा है, आज उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। बुलाते ही आ गए तुम लोग, बड़ी खुशी की बात है, हम सबको बड़ा पुण्य मिलेगा। अरे सुनो भाई, इस एरिया में हमेशा करंट चले जाता है, 10 मिनट में भी जा सकता है, गया तो पता नहीं कब आएगा। चलो जल्दी करो, चलो। बस एक माला ले आता हूँ, बगल में ही फूल मार्केट है, बस 2 मिनट की बात है। क्यों यार अपना और हमारा समय बर्बाद करते हो, करंट चला गया तो वापस आने तक यहीं पे बैठना पड़ेगा। अरे इतना सब किया, बस माला ही तो डालना है, 2 मिनट में आया। जल्दी आना भाई, देर हुई तो हम ही काम पूरा कर देंगे। ए गुल्लो, तुमने ठीक से देखा ना? ठीक से देखा, वो अकेला है, तुम कहो तो मार डालते हैं। मार डालो और ध्यान रहे कि पूरी तरह से खत्म हो जाए वो। अगर उस साला बच गया ना तो हमारी खैर नहीं है, समझे? बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई जी। हे कृष्णा, वो योगी हमारे आदमी के हाथ लग गया, नरसिंहवा भी मारा गया, सुरेंद्रा भी खत्म है, अब ये योगी भी मरेगा और इसके बाद पूरे शहर का हम ही शहंशाह, पूरा कंट्रोल हमारा ही होगा। नहीं भाई जी, योगी को मत मारो, उसने हमें मौत के मुंह से बचाया था, वो बड़ा नेक इंसान है, ये गलत होगा भाई जी। एक माला देना भैया। किसके लिए ये माला? एक अनाथ लाश है, कोई अंतिम संस्कार कर रहा है। भाई जी मना करो उसको, उसको मत मारो, फोन करो भाई जी। साला हमारे जूते की औकात है तेरी और हमको समझाता है तू? मार डालूंगा। मेरे पैर नहीं लेकिन इंसानियत है मुझ में। जिसने हमारी जान बचाई थी उसी को मारना चाहता है तू? तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आ, 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 आ,
वैसे ये आधे रास्ते में आया था, ऊपर से कहने लगा कि मैं माला लेके आता हूँ, वो आएगा क्या? अरे वो कहता बिजली चल जाएगी, अब हम क्या करें? अरे माला लेने गया है वो, इतना कुछ किया उसने, शव का चेहरा तो देखने दो उसे। मना किया था ना, समझता नहीं है तू, पागल हो गया तू? अरे सुनो, अब वो नहीं आएगा, चलो अंदर ले आओ, लावारिस लाश है, ऐसा रोज चलता रहता, चलो। भाई हम जैसा मरे तो जनता का भला होता है, लेकिन तुम्हारा जीना जनता के लिए बहुत जरूरी है, जाओ भाई जाओ, तुम जाओ। जन्म में तो कम से कम तुम अनाथ नहीं होना, तभी अंतिम संस्कार मैंने किया है माजी। अरे बादशाह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम? कोई अनाथ शव था, कोई भी नहीं था तो मैं आखिर तक साथ आया, अंतिम संस्कार सब ठीक ठाक किया मैंने, जब माँ को पता चलेगा तो वो खुश हो जाएगी। तुमने उसे देखा नहीं? नहीं देखा, वो तेरी माँ थी। मेरी माँ? मेरी माँ क्या, मेरी माँ कैसे हो सकती है, मेरी माँ क्यों मरेगी दोस्त? तुम ढूंढ नहीं सकते तो छोड़ो, कोई बात नहीं मैं ढूंढ लूंगा। मेरी माँ के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो चाचा ये पागल हो गया है, इसे क्या बोलना है क्या नहीं कुछ नहीं मालूम, वो मेरी माँ थी बोल रही है, आखिर मेरी माँ क्यों मरेगी यहाँ पर? मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बोलो ना चाचा, उसने जो भी बोला है झूठ है, बोलो ना उसने जो भी बोला है झूठ है। योगी, वो सच कह रहे हैं। हाँ अंकल, दादी माँ इस आंटी के घर में ही रहती थी, जब तुम लोग इनकी लाश को लेकर जा रहे थे मैंने देखा और आंटी को ले आया। ये देखो योगी, तुम्हारी माँ का सामान और चिट्ठियाँ जो वो साथ लाई थी। रुको, मेरी माँ, मेरी बात सुनो योगी, रुको, मेरी बात सुनो, बेटा चुप हो जा, मेरी माँ चाचा, मेरी माँ चाचा, कहते हैं पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में भुगतने होते हैं, नहीं चाचा, इस जन्म के पाप पुण्य सब इसी जन्म में भुगतने हैं, भलाई के लिए हो या बुराई के लिए खून खराबा तो पाप ही है, वो इस तरह मुझे चुकाना पड़ा माँ के रूप, माँ मेरी माँ चाहिए। मेरे पापों का प्रायश्चित मेरी माँ ने किया, माँ मैं तेरी खुशी के खातिर तो शहर आया और तू ही मुझे छोड़ के चली गई, ऐसा क्यों किया माँ? प्रसाद बेटा यहाँ आओ, माँ आना, माँ आ, माँ माँ तू आ। क्यों बेटा रो रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी, चलो हम नाचते हैं, नाचे नाचे नाचे।
माँ कहाँ तुम? योगी माँ चुप हो जाओ योगी।